चलते हैं यहाँ से विशाल विंडो कूलर और विशाल अलमारी के शोरूम के अंदर। विशाल विंडो कूलर ये आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट, यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज आपको मिलती है कूलर्स की, यहाँ पर विशाल विंडो कूलर पर। इसके साथ अलमारियों की एक आपको बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ मिलेगी, पर की अलमारियों की अगर रेलगाड़ी कहीं पर दिखती है तो वो मिलती है विशाल फर्म पर। बाद यहाँ पर एक्सक्लूसिव यहाँ पर आपको मिलेगा फर्नीचर, विशाल का फर्नीचर जो एक्सक्लूसिव और सालों साल नाता निभाता है आपके साथ, और साथ में विशाल की ड्रेसिंग टेबल, कहा जाएगा फर्नीचर की एक पूरी श्रृंखला है विशाल फर्नीचर पर। और इसके बाद ये लग्जरियस गद्दे जो आपको मिलेंगे, स्लिप बेल मैट्रेस यहाँ पर, वो भी विशाल फर्म विशाल सेल्स के साथ, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे फर्नीचर की पूरी रेंज और साथ में स्लिप बेल मैट्रेस और साथ ही कूलर और अलमारी। तो फिर इधर उधर क्यों जाना, छतरी नंबर एक पर मिलेगा आपको यहाँ पर विशाल विंडो कूलर, विशाल अलमारी, विशाल फर्नीचर, स्लिप बेल मैट्रेस। कहा जाता है इनका स्लोगन है विशाल है तो फ्यूचर है, क्योंकि लाइफ टाइम सर्विस के साथ छतरी नंबर एक पर आपको मिल जाएगा ये विशाल फर्म का शोरूम। आइए चलते हैं सिद्धि विनायक ज्वेलर्स पर और देखते हैं कि सिद्धि विनायक ज्वेलर्स दरअसल है क्या। और ये स्पेशल हैंडमेड ब्राइडल लहंगे, और ये स्पेशल साइड लहंगे, स्पेशल क्रॉप टॉप, ये स्पेशल गाउन, और ये देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव दूल्हा घर। यहाँ आपको मिलती है 800 से अधिक शेरवानी, 600 से अधिक इंडो वेस्टर्न, और साथ में 300 से अधिक ब्लेजर, और साथ में ज्वेलरी का स्पेशल खजाना ब्राइडल और साइड ज्वेलरी। ये सभी वस्त्र एवं ज्वेलरी किराए पे उपलब्ध हैं। तो ये है सिद्धि विनायक ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं ब्राइडल 500 से अधिक लहंगे, साथ में साइड लहंगा 1500 से अधिक, जो साथ में दुल्हन के फ्रेंड्स जो शायद पहनते हैं वो वाले, और क्रॉप टॉप 500 से अधिक मिलेंगे आपको यहाँ पर, उसके साथ में गाउन 300 से अधिक है यहाँ पर, और दूल्हा घर जैसे हमने आपको दिखा है शेरवानी 800 से अधिक, यहाँ इंडो वेस्टर्न वो भी 600 से अधिक है, और ब्लेजर वो भी 300 से अधिक। फिर इधर उधर क्यों जाना। तो जब आप चिट्टीस की कोट में आते हैं तो साबुन वाली गली में 4-5 दुकान अंदर जब आएंगे, जब आपको मिलेगा आपका अपना सिद्धि विनायक ज्वेलर्स। मैं तो कहूंगा अगर आपके शादी का आयोजन है तो एक बार जरूर यहाँ आए, कहीं भी जाने से पहले एक बार जरूर आए सिद्धि विनायक ज्वेलर्स, साबुन वाली गली चिट्टीस की कोट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। मित्रों नमस्कार, जय बाबा चलनाथ की। विन ग्वालियर हैदवे डिजियाना एशियन डेन नेटवर्क के साथ बाबा चलनाथ की प्रस्तुति विशाल फर्नीचर आओ मेला चले कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 27 मार्च शनिवार का दिन, चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, देखते हैं कितने क्या घूमा क्या देखा क्या पसंद किया और कौन आया आपको गुदगुदा के इस कार्यक्रम में विशाल फर्नीचर आओ मेला। चले हो, क्या नाम है आपका? अनुष्का सोनी। आशना सोनी। कहाँ रहते हो आप लोग? हजीरे पर। ये सिद्धि विनायक कहाँ पर है? सिद्धि विनायक नहीं मालूम बेटा, आप प्रोग्राम देख रहे हो ना? हाँ।
अभी नहीं देखा। इस साल नहीं देखा, लास्ट ईयर देखा था ना, तो भी याद नहीं है आपको? रखो पहले हाथ सैनिटाइज करो आप लोग। इधर आ, क्या नाम है आपका? सिया। कहाँ रहते हो? बिल्ला नगर। प्रोग्राम देख रहे हो? हाँ। सिद्धिविनायक कहाँ पर है? चिटनीस की गोट सामने। रखो हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले आप। इधर क्या नाम है आपका? निमरा हुसैन। क्या सुनाओगे? पोयम। बोलो बेटे। पोयम। पोयम। रखो हाथ सैनिटाइज करो, कहाँ पर है सिद्धिविनायक? आगे बढ़ता हूँ। क्या नाम है बेटे? हर्षदीप सिंह। क्या सुनाओगे? भजन। भजन। कहाँ है सिद्धिविनायक? चिकनेस की गोड़ सामने। रखो एक आपके लिए है सैनिटाइज, हाथ सैनिटाइज करो। क्या नाम है आपका? अनन्या नहाटा। कहाँ रहते हो? बिल्ला नगर काली नंबर। कहाँ है सिद्धिविनायक? चिटनेस की गोड़ सावन वाली गली। रखो हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले, आप दोनों भाई हो। हाँ। क्या नाम है? दिव्यांशु। कहाँ रहते हो आप लोग? श्रीराम कॉलोनी। रखो हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले आप अपने। क्या नाम है आपका? मानसी कुशवाहा। कहाँ रहते हो? जीवानी। कहाँ है सिद्धिविनायक? सावन वाली। रखो हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले आप भाई बहन हो। चलो क्या, कहाँ रहते हो आप लोग? लोको। लोको। कहाँ है सिद्धिविनायक? चिटनीस की गोड़ सावन वाली। रखो हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले आप अपने। आप भाई बहन हो। क्या नाम है आपका? जानी वादवानी। गौरव वादवानी। क्या सुनाओगे आज? सॉन्ग डांस। चलो हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले आप। कहाँ है सिद्धिविनायक? वेरी गुड। आप दोनों सिस्टर। क्या नाम आपका? तानिया। और आपका? अनन्या। कहाँ है सिद्धिविनायक? चिकनेस की गोड़ सामने। रखो हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले। आप दोनों भाई बहन हो? नो। आप अकेले हो? हाँ। क्या नाम है आपका? एनी। क्या सुनाओगे? मैं डांस करूंगी। अकेले डांस के लिए? नाम बेटे? ब्रिजेश। कहाँ रहते हो? मुरार। मुरार। कहाँ है सिद्धिविनायक? चिटनेस की गोड़ सामने। रखो हाथ सैनिटाइज करो। सरीन खान। कहाँ रहते हो? लोको पे। लोको पे। कहाँ है सिद्धिविनायक? चिटनेस की गोड़ सामने। रखो आपके लिए पहले हाथ सैनिटाइज कर लो आप। का पोयम सुनाओ। जॉनी जॉनी एस पापा बेटी सुंगर नौ पापा। एक आपके लिए रख लो टिकटॉक बेकरी से। आपका नाम? निमरा हुसैन। पोयम सुनाओ। अच्छी नानी प्यारी नानी, मास्क नीचे कर लो। अच्छी नानी प्यारी नानी, रस्सा रस्सी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो और कंजूसी छोड़ दो। वेरी गुड। आपके लिए भी रखो टिकटॉक बेकरी से है नाम बेटे। मास्क नीचे करो। पोयम सुनाओ। पोयम नहीं जो सुनाओ। चिंटू बहुत देर से शादी में खाना खा रहा था, तो मिंटू ने पूछ लिया कि कितना खाओगे, तो चिंटू बोला कि शादी के कार्ड में लिखा था खाने का टाइम 7 से 10। वेरी गुड। आपके लिए भी है टिकटॉक रेस्टोरेंट बेकरी से सॉन्ग और डांस। सुनाओ सॉन्ग सुनाओ। मास्क नीचे करो। यही गाना तो मैं डांस में बजाता हूँ, यही आप गा रहे हो, क्या मतलब रहा आपको? क्या नाम है आपका? अलीशा खान। अलीशा। क्या सुनाओगे आप? नात। नात सुनाओ। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें मुझ दी है तो मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझ दी है तो मदीना। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार है। आप क्या सुनाओगे आप लोग? कोई सॉन्ग मिल गया? भजन डांस। डांस के लिए स्पेशल मेरा शो नहीं है, आप प्रोग्राम देखते हो ना, मैं सिर्फ डांस डांस कराता हूँ कि आप मुझे बताओ। सपोर्ट में भी तो कुछ ना कुछ लेता हूँ ना, मिलके कोई गाना सुनाओ आप लोग या भजन। सिया। आप क्या सुनाओगे? सॉन्ग मापर। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मजारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब मारती है, मुझको नजर जब मारती है। चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। इधर अब आप बताओ क्या सुनाओगे आप? भजन। भजन सुनाओगे आप? सुनाओ। बारिशों के चमचम में तेरे दर पे आए, बारिशों के चमचम में तेरे दर पे आए, ओ मेहरा बाली मेरा कर दे, झोलियाँ सबकी भर दे, मेहरा बाली मेरा कर दे, झोलियाँ सबकी भर दे। ओ कहाँ रहते हो आप? कांच मिल में। कांच मिल में रहते हो? वहाँ कांच मिलते हैं? नहीं। फिर क्या नाम है आपका? अनन्या नहाटा। अनन्या। क्या आप सुनाओगे आप? भजन।
भजन सुनाओगे आप? हाँ, अम्बे माँ का भजन। अम्बे माँ का भजन सुनाओ आप। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ के द्वारिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाच, बाबा भोले नाच, बाबा भोले नाच, मोहन मोहन बजाए बसुरिया, अम्बे माँ के द्वारिया, चंदा सूरज आरती उतारे, चंदा सूरज आरती उतारे, बाबा आरती उतारे, माता से करे विनतियाँ, अम्बे माँ के द्वारिया। अमृत वेरी गुड, बहुत शानदार है। कहाँ रहते हो आप? बिल्ला नगर, कॉलोनी नंबर एक। अच्छा, पढ़ते हो आप? हाँ। किस क्लास में? मैं फोर्थ में थी, फिफ्थ में आ गई। अच्छा, पास भी हो गए, आपका रिजल्ट भी आ गया? हाँ, रिजल्ट भी आ गया, एग्जाम हाँ, भी हो गए। कल ही तो रिजल्ट आया है। कल ही रिजल्ट आया, तो आपका कौन सा प्लस आया है? ए प्लस। पक्का? पक्का। विद्या रानी का? विद्या रानी का। और क्लास में कौन सा रैंक आया है आपका? अभी रैंक तो पता नहीं हुई अभी। फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी आनी चाहिए क्लास में? अच्छे ही आएंगे। अच्छे ही आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो हो जाओगे? हाँ, 100%। 100%। चलो, मैं भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। क्या सुनाओगे आप? वो गाना, देश के ऊपर गाना, देश के ऊपर गाना सुनाओ बेटे। तलवारों पे सर वार दिए, फिर जाके केसरी रंग सजाया है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार है। क्या नाम है आपका? मानसी। क्या सुनाओगे? वो सॉन्ग सुनाओ। ओ गाना अब तो मुरली की मधुर सुना दो ता, ओ गाना अब तो मुरली की मधुर सुना दो ता, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मुझको तू। चलिए, वेरी गुड बेटे, आप दोनों भाई बहन है, क्या सुना रहे हैं आप? रैप। रैप सुनाओ दोनों। जब तू चले लटक मटक, लौंडों के दिल पटक पटक, ससे जाए अटक अटक, आता मारी सटक सटक, बम तेरा गोते खाए, कमर पे तेरे बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मकन जैसी, खाने में तू सिर्फ बटर का, कम ऑन बेबी किक किक किक, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट, पर ले लूं तेरी विकेट, बोलो लो के रे बेटे लो, लंबो लंबो चूल, अबो माथा में तोके तो लाल गेंदा फूल। अरे वेरी गुड यार, देखो क्लैपिंग मिलेंगी आपको, अच्छी चीज पे तो क्लैपिंग मिलती है। कहाँ रहते हो? लोको। लोको पे रहते हो, प्रोग्राम देखते हो ना, कैसा लगता है? अच्छा। क्यों? बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? ऐसी अच्छा लगता है। ऐसी अच्छा लगता है, काम की बातें मिलती है कार्यक्रम में। पक्का? मास्क क्यों लगाना चाहिए? कोरोना से बचने के लिए। क्या होता है मास्क लगाने से? मास्क लगाने से कोरोना नहीं होता। क्यों? मास्क लगाने से फायदा क्या है? मास्क लगाने से कोरोना नहीं होगा। मैं भी बताता हूँ ना कार्यक्रम में भी बच्चों को, क्या बताया था मैंने? ये बताया था मास्क लगाने से सेफ रहते हैं। हाँ, मास्क लगाने से सेफ रहते हैं। सेफ रहते हैं ना, मुंह से हम जब बात करते हैं, अगर कोई पॉजिटिव है, अगर वो बात करेगा तो मुंह से एक साथ जो वायरस निकलता है वो 10 लाख की उसमें निकलता है कैटेगरी में, है ना। मास्क लगा होगा, मास्क लगाएंगे तो कोरोना आएगा नहीं, है ना। नाक और मुँह सबसे जल्दी कोरोना को पकड़ लेता है, इसलिए मास्क लगा के रखना चाहिए। वेरी गुड, आहा, वेरी गुड। क्या नाम है? गौरव। आप कर लो नीचे। गौरव, कहाँ रहते हो? वो श्री कृष्ण कॉलोनी। हाँ, श्री कृष्ण कॉलोनी। कहाँ पे है ये? वो सिकंदर कंपू शीतला। अच्छा, श्री कृष्ण कॉलोनी सिकंदर कंपू, वहाँ रहते हो? यार हम तो घर पे रहते हैं यार। वहाँ घर है क्या? हाँ। दोनों भाई बहन हो, क्या सुना रहे हो? सॉन्ग। सिंधी? हाँ सिंधी नहीं, चलो सुनाओ, हिंदी सुनाओ। मारे पेट में जोर से रही गुड़ गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो, मारे पेट में हो रही गुड़ गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो, मेरा बलमा बड़ा सियाना ठंडो कोका कोला लायो, आयन मेरा बलमा बड़ा सियाना ठंडो कोका कोला लायो, काड़ा नमक और नींबू सैया लायो जो बाजार से, दोनों बैठ के पैर दबावे लके तू फिर प्यार से, हाँ दोनों बैठ के पैर दबावे लके तू फिर प्यार से, इनू केला चल चीरा फिर दो पुड़ियो मंगवायो। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार। आज मैं आपको एक बहुत काम की चीज बताऊंगा। आज मैं आपको, बहुत लोगों की नाप चली जाती है, धन चली जाती है, धन खिसक जाती है, आप लोग परेशान रहते हैं। इतना साधारण आपको नुस्खा मैं बताऊंगा कि आप खुद
अपनी धन ठीक कर सकते हैं, अपनी नाभि को जगह पे ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा होती है ना, आपने देखा है ना नाभि जाने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। और आप उसके लिए, जिन लोगों को नहीं मालूम होता, वो हॉस्पिटल्स में जाके हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, उल्टी भी होती हैं, लूज मोशन भी हो जाते हैं। तो ये नाभि अपनी जगह पे कैसे आती है, बहुत साधारण है। लेकिन आज का पूरा कार्यक्रम देखते रहिए, मैं कभी भी आपको बता दूंगा कि आप नाभि को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अनन्या। आप? तानिया। दोनों सिस्टर हो, क्या सुनाओगे? सुनाओ। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और डांस। चलिए मैं भी कवर करता हूँ आपको। क्या नाम बताया था? ब्रिजेश। मास्क नीचे कर लो। क्या सुनाओगे? रैप। रैप सुनाओगे? सुनाओ। आने दे थोड़ी हवा सी आने दे, गला से सूगरा दो पैग लगाने दे, जिंदगी की गाड़ी को डक्का लगाने दे, टुक टुक भी खेलूँगा सीधे छक्का लगाने दे, मटका हूँ मैं कमरी आधी, धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। एक और है, तेरी मम्मी की जय क्या चीज़ बनाई, दूध में जैसे आई हो मलाई, छोटी छोटी बैंग बैंग छोटी कलाई, तेरी आग लगा जैसे दिए सराई, मैं एड़े नेशनो ओ गाने मेरे लो तू है सेक्सी, बाकी असोस मैं तेरा काका तू मेरी कोको, गर्मी कितनी तुझ में रोटी खाती तू किस आटे की, हाथ लगाओ देख के ऐसे जैसे काटेगी कि लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। वेरी गुड। किस क्लास में पढ़ रहे हो आप? किस क्लास में हो? एट्थ। एट्थ में हो, कितने सालों से हो? कितने सालों से? दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे 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 दाता के नाम तुझको ला। दुआ खेलना है? हाँ। क्या करना है? नोट गिनने। नोट गिनने तो क्या करेगा पैसे लेके? उड़ाएगा? दारू पिएगा? तो? अच्छा वो पैक बना बना के? हाँ। क्या करेगा? बोतल लेगा पूरी? अच्छा ठंडाई पिएगा भांग की? अच्छा कोल्ड ड्रिंक पिएगा? नहीं तो ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग गरीब हो, पैसे नहीं रहते तुम्हारे पास, खाने को कुछ भी नहीं है, तो ये पैसे आते करते क्या उसका? उड़ाते हो? अच्छा पैसे इकट्ठे करते हो बाद में उड़ाते हो, ऐश करते हो? पिक्चर देखने आते हो? अच्छा पिक्चर भी देखने आते हो? अच्छा अच्छा डांस भी करते हो ऐसे? अच्छा रात को वो भी करते हो? क्या बता रहा है भाई साहब? खाना वाना घर का खाना वाना लेके खाना खाते हैं बस। घर का खाना लाते हो? खाने के लिए घर। तो फिर मांग क्यों रहे हो? घर का खाना लाते हो तो कुछ नहीं खाया आज? सुबह से कुछ नहीं खाया? सुबह से कुछ नहीं खाया। कितने पाई दे? तो मंदिर चले आओ ना, देखो अचलनाथ ट्रस्ट पे सुबह शाम खाना मिलता है। हाँ अच्छा वो चाहिए तुम्हें? खाना नहीं चाहिए? अच्छा खाने से कोई मतलब नहीं है? फिर काय के लिए चाहिए? अच्छा उसके लिए चाहिए? लस्सी मांग रहा है, लस्सी। अच्छा उसके लिए चाहिए? वैसे ये कर तो एक्टर हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक कड़वी सच्चाई है। ये हिंदुस्तान बड़ा इमोशनल है, यहाँ धर्म के नाम पे तो बहुत कुछ हो जाता है, सत्ताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। तो फिर आप क्या चीज़ हैं धर्म के नाम पे?
ये इस तरीके से जब ये बन के दिखा सकते हैं तो सोचिए उनका एक वो बहुत बड़ा व्यापार है। वो आपके पास आते हैं जबरदस्ती आपको पकड़ लेते हैं, आपके पास लटक जाते हैं, आप भी बड़े दानी पुण्य बन जाते हैं। निकाला जेब से पैसे, अरे रुक तो जा भाई, फटाक जेब से पैसे निकाले और आपने 10 रुपये और 20 रुपये उनको पकड़ा दिए। अरे खाने पीने की चीज़ भी अब तो बहुत से लोगों ने एक चीज़ और किया है, बिस्किट के पैकेट उनको देने लगे हैं। आप कभी मंदिरों पर जाएँ, एक दिन केवल ऑब्जर्व करके देख लें कि एक केवल जो भी मांगने वाला है केवल उसको एक दिन ऑब्जर्व करके देख लें। आप जाएंगे और देखेंगे कि वो बिस्किट के पैकेट जो मिले हैं उनको वो शाम को इकट्ठे करते हैं और दूसरे दिन वो सेल आउट कर जाते हैं किसी परचूनी वाले को, उसको भी खाते नहीं हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आपको वास्तव में दान पुण्य करना है तो बहुत सारे अनाथालय हैं, आप खाना बनाइए, रोटी बनाइए, पूड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, खाने पीने का सामान ऐसा उनको देकर आइए जो उनके पेट में जाए। चलो हो गया ये। उसके लिए चाहिए ना पैसे हैं, कपड़े लाने हैं। अच्छा चलो तुम लोग जाओ, इनको इनको जाने दो। हाँ मैं दूंगा। अच्छा तुम मजाक बना रहे थे, तू तो बाबू है ना? बाबू नहीं है तू? बाबू नहीं है, हलवाई बता रही है। तो बाबू नहीं है तू? पक्का नहीं है? इधर सच में बाबू नहीं है? निकल कर डाल रही है, नहीं है तू? गूंगा है, गूंगा? अच्छा बोल नहीं पाता तू? अरे सीधे है, बाबू नहीं है ना तू? तो कौन है तू? कौन है तू? अब बता कौन है, कौन तू? कौन है तू? अबे सीधे सीधे बोल, अबे सीधे सीधे बोल बाबू, सीधे सीधे आ जा। आप पैसे दूंगा तेरे को, पैसे दूंगा, पहले आप प्रॉमिस। हाँ दूंगा, तू बाबू है ना? नहीं तो। कौन है तू? मैं निखिल। तू निखिल जी? निखिल है तू? अरे बाबू आपके पास आया था क्या? आता है मेरे पास। आपके पास आता? हाँ वो घर पे तो कुछ और बोल के जाता। अच्छा ये नौकरी पे जा रहा हूँ मैं। अच्छा आपके पास क्या करता आगे? नहीं मेरे यहाँ शो में वो पूरे शहर को हसा रहा है। शहर को हसा रहा है? शहर का हीरा है वो। शहर का हीरा है? हाँ तुम बाबू नहीं हो? नहीं। तो तुम कौन हो? मैं निखिल, बाबू को जुड़वा भाई। बाबू का जुड़वा भाई मतलब? दो बच्चे हैं ना। तुम दो बच्चे हो जी? पर पापा के दो बच्चे हैं? पापा के दो बच्चे हैं, नहीं मम्मी के भी है। अच्छा मम्मी के भी है, मतलब नाना नानी के हम दो पोते हैं। नवासे होते हैं नाना नानी के? जो भी है, दादा दादी के पोते होते हैं जो भी है, बड़े बातें होती है। तो मतलब तुम जुड़वा भाई हो? दोनों जुड़वा भाई है। एक घंटे का फर्क है? एक घंटे का फर्क है। वो थोड़ा जल्दी में था, पहले आ गया। अच्छा बाबू। हाँ मैं थोड़ा लेट था, आराम से आया। अच्छा पूरा एक घंटे का फर्क है? एक घंटे 40 मिनट। अभी तो तूने एक घंटा बोला। नहीं 40 मिनट कपड़े पैक करने में लग गए थे ना, मेरे को पता नहीं थी। मैं अलमारी में से कपड़े निकाले, बैग में डाले, फिर मैं आया बाहर। अच्छा तो तुम बाबू नहीं हो? नहीं मैं बाबू, निखिल कटारिया। निखिल कटारिया। दीपिका कौन है? दीपिका, दीपिका पादुकोण भाभी है मेरी। अबे दीपिका पादुकोण नहीं तो कौन? दीपिका? अरे दीपिका कटारिया। कौन पटारिया? अरे कटारिया भाई। क्यों समझा नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, 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 नहीं। पक्का? पक्का 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 पक्का। दीपिका को जानते तक नहीं हो? मैं कौन दीपिका, मैं नहीं जानता। दीपिका पादुकोण ना जानता? नहीं नहीं दीपिका कटारिया को जानते तक नहीं हो? हाँ जानता हूँ ना। कौन है वो? मुझे क्या पता, मतलब जानता है पता नहीं। अरे रुक तो जा, मेरे को लेट हो रहा है। अरे रुक, मैं बाबू, बाबू नहीं है? नहीं बिल्कुल। मैं इनसे पूछ लेता हूँ सबसे। हाँ पूछ। कौन है ये? बाबू। जोर से बोलो बाबू। कौन है ये? बाबू। जुड़वा भाई है वो मेरा, जुड़वा भाई है, बाकी भी जुड़वा भाई है। तू मुझे बेवकूफ बना सकता है, बच्चों को थोड़ी बेवकूफ को बना रहा हूँ, सच्चाई बता। जुड़वा भाई है बेटा, आधार कार्ड भी दिखा। जुड़वा भाई दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? जुड़वा हूँ, जुड़वा है, जुड़वा है। अरे नहीं भाई मेरी, अरे मैं दिखा देता हूँ, उसके पेट पे तिल नहीं है, मेरे पेट पे तिल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रहने दो।
कह रहा हूँ बाबू नहीं हूँ मैं। पक्का 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 एक टेस्टिंग कर लेता हूँ फिर पता लग जाएगा तू बाबू है कि नहीं। आ गया जगह पे। नहीं मैं भी ऐसे गिरता हूँ। बाबू किधर है? हाँ भाई है ना, एक घंटा 40 मिनट का तो फर्क है। अच्छा हाँ। अब जैसे मैंने तेर को मारा तो उसको लगा होगा? हाँ उसको भी 1 घंटे 40 मिनट बाद असर होगा। अच्छा हाँ कि पहले हो जाएगा उसको? नहीं 1 घंटे 40 मिनट बाद। कौन है तू? सही सही बता कौन है तू? बाबू थोड़ी हूँ। तो कौन है तू? मुझे क्या पता, निखिल हूँ। निखिल? निखिल है तू? सही सही बता कौन है तू? बाबू अभी क्या कह रहा था तू? बाबू जो हाँ वो कौन है? दीपिका तू जानता नहीं है उनको? कौन दीपिका? काहे की दीपिका? जानता नहीं है तू? नहीं मैं नहीं जानता किसी दीपिका को। खबर तेरा नहीं कसम। दिव्या की कसम। दीपिका की कसम। दिव्या दिव्या वही मैंने बोला। हाँ वही तो क्या बोल हाँ। दीपिका की कसम। दीपिका की कसम। मैं दीपिका को नहीं जानता। बोल क्या? क्या दीपिका की कसम? दीपिका की कसम। मैं दीपिका को अबे ओए हाँ बोल। मैं दीपिका को? मैं दीपिका को नहीं जानता। जानता जानता नहीं नहीं आपने बोल दिया वो मैं तो जानता। अच्छा ये है अब बीच में तो नहीं आएगा? नहीं मैं नहीं आऊंगा। पक्का पक्का एकदम प्रॉमिस। निखिल बन के तो नहीं आएगा? नहीं पक्का एकदम। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ को निकलो? जा रहा हूँ ना, निकलते रहूँ इधर से। कहाँ को निकलो? यहाँ से निकलो। मैं रिश्तेदारों के साथ जाऊँगा कि आपके साथ जाऊँगा? चलो ओए क्या बदमाशी करता हुआ निकल रहा है? बदमाशी थोड़ी कर रहा हूँ, ढोलकी तो बजाई है। माल करता है। आप बोलो मैं इसको बजा दूँ, मतलब हाल मार दूंगा इसको मैं आज कसम से नहीं आ रहा था, दोनों लाइन जबरदस्ती। आप पूछ रहे थे बताना बुआ? ये बुआ है? ये हाँ बुआ है ना। बुआ हो आप इसकी? नहीं फूफा जी की वाइफ है। नहीं सच में बताओ बुआ हो क्या? नहीं। हाँ भैया हो? हाँ भैया। पापा के लिए कह रही, पापा भैया है मेरे। तू मामा है ना? हाँ तो भैया ही तो हुआ। नहीं नहीं ये मेरे पापा की बहन है, पापा इनके भैया है, ये मेरी बुआ है। बुआ हो गया इसकी? नहीं नहीं भैया है, बहन है हम इनकी। हाँ देखा शक्ल मिल रही है। जा तो रहा हूँ। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, बेमतलब में निकल जा। एक तो रिश्तेदारों के साथ हो तो भी निकल जा, अकेले हो तो भी निकल जा। क्या करूँ यार, बुलडोजर लेके आयो अपने यहाँ पे? नहीं तो लो भाई मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। हाँ नहीं जा ही रहा हूँ, नहीं आऊँगा। जाना? हाँ जा रहा हूँ ना। अनुष्का सोनी स्पेशल डांस 1 2 3 तेजाब के गाने पे। हाँ। यहाँ पंकज शास्त्री जी मौजूद हैं। पंकज जी एक आज अलग टाइप के प्रश्न में। पंकज जी जी कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जी, क्या जी। हम किसी इष्ट देवी देवता का पूजन करें यहाँ से हमें लाभ हो? 100% लाभ होगा। देखिए हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ग्वालियर में हैं और माँ पीताम्बरा यानी कि माँ बगलामुखी का मंदिर हमारे नज़दीक पड़ता है। मैं आपको बता दूं जो लोग कोर्ट कचहरी से परेशान हों, मुकदमों से परेशान हों, वो केवल यदि 7 शनिवार माँ पीताम्बरा माई के दरबार में यदि दर्शन यदि करने जाएंगे तो निश्चित ही उन्हें लाभ होगा। और साथ ही यदि वो माँ बगलामुखी के मंत्र का यदि सायंकाल यानी कि सूर्यास्त के तुरंत बाद यानी कि 6 से 8 के बीच में यदि बैठ करके यदि माँ बगलामुखी के मंत्र का यदि वे लोग जप करते हैं। ये वाला ओम ह्रीं क्लीं बगलामुखी सब दुष्टनाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जाय किले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा, यही वाला है? ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा, यह मंत्र है। ये वाला मंत्र जी। चलिए ये वाला ना ये मंत्र बताए, ये भी वैसे बगलामुखी जी का मंत्र था जो मैंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी लाभ होगा और इससे भी लाभ होगा, इससे विशेष लाभ होगा। तो अगर आप लोग वास्तव में कोर्ट कचहरी से परेशान है, बार बार आपके ऊपर मुकदमे आ जाते हैं, तो लगातार 7 शनिवार जैसा पंडित जी ने बताया है इनका उपाय कर लीजिए, हो सकता है आपको एक लाभ हो। कल अंतिम प्रश्न इस वर्ष का हम पंडित जी के साथ में पूछेंगे, कल 28 तारीख है। हालांकि अभी मेले को लेकर यहाँ कोई स्पष्ट नहीं है कि मेला खुलेगा कि नहीं, लेकिन हम लोग तो यहाँ मौजूद रहेंगे। भले यहाँ मेला बंद होता है, हम आपकी बात भी रखेंगे, हम अपने कलाकारों के साथ यहाँ प्रोग्राम जरूर बनाएंगे जी। तो कल एक नए प्रश्न के साथ आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। सिद्धि विनायक चिटनीस की गोर साबुन वाली गली, आप उनकी तरफ से आपके लिए टिकटॉक बेकरी, याद खड़ा करो टिकटॉक बेकरी।
इधर बताओ। गोले का मंदिर नहीं, गोल पाड़िया चौकी से पहले इनके यहाँ हल फ्लेवर के केक मिलते हैं और इनके यहाँ रेस्टोरेंट भी है। और क्या क्या है? और ऑर्डर पे केक मिलते हैं। टिकटॉक बेकरी गोल पाड़िया, इनके यहाँ रसमलाई का और रबड़ी का, इनके यहाँ रेस्टोरेंट केक मिलता है और रेस्टोरेंट केक नहीं होता, नहीं सॉरी केक मिलता है इनके यहाँ रबड़ी का और रसमलाई का। इनके यहाँ रेस्टोरेंट भी है, फास्ट फूड भी है और अपन ऑर्डर करते हैं ना जैसी फोटो देंगे वैसा ही सेम केक मिलेगा अपने आप अपनों को। और इनके ऑर्डर पे ही केक मिलते हैं, इनके ऑर्डर पे ही तैयार होते हैं। एक आपके लिए रख लो, श्री टिकटॉक फास्ट फूड एंड बेकरी पद्मश्री चाय। बताओ पद्मश्री चाय नया बाजार, यहाँ पर स्टेंटी भी है, मसाला चाय भी है और ये हर शॉप पे उपलब्ध है। और नया बाजार, नया बाजार आर आई टी कंपनी, इसमें चम्मच निकलती है छोटे पैक में 200 ग्राम में। बाजार में कहाँ से खरीद सकते हैं? हर शॉप पे, हर शॉप से खरीद सकते हैं। पक्का? एक आपके लिए रख लो पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए रखो पद्मश्री चाय से, एक आपके लिए भी, एक बेटा आपके लिए है, एक आपके लिए है। आपको तो बड़ा मिल गया है, आप दोनों भाइयों के लिए, एक आपके लिए, आप दोनों भाइयों के लिए, आपके लिए भी बेटे पद्मश्री चाय से है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी बेटे पद्मश्री चाय से रखो और एक आप दोनों के लिए पद्मश्री चाय से। ये विशाल विंडो कूलर 36 नंबर एक पर, आपको बेटे नहीं मालूम, एक नंबर पे है, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी 36 नंबर एक विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से। इनका क्या है? यहाँ पर ज्वाइनिंग टेबल भी है, सोफा भी है, कमल दर्द वाला गद्दा भी है और यहाँ पर तकिया इनकी बहुत मुलायम है और यहाँ पर अलमारी भी है, कूलर भी इस है। इस बार नया क्या आया है? इनके यहाँ ज्वाइनिंग टेबल कितने से चालू है? ये है 14,500 से, एक आपके लिए है। और शहर में इनका कहाँ पर है? जिनसी लाना नंबर एक। वेरी गुड, एक आप दोनों के लिए है, एक आपके लिए भी बेटे विशाल फर्नीचर से, विशाल विंडो कूलर स्लिप बेल मैट्रेस से है, एक आपके लिए विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर और स्लिप बेल मैट्रेस। टिकटॉक फास्ट फूड रेस्टोरेंट और बेकरी गोल पाड़िया से, एक आपके लिए। इनका क्या है? यहाँ पर रेस्टोरेंट है और इसके संग बेकरी भी है, ऑर्डर से ही केक बनता है। यहाँ पर रबड़ी वाला केक है, कॉर्न वाला केक है और यहाँ पर आप कूपन देते हैं उससे 15% ऑफ है वो रेस्टोरेंट पे। हाँ। और केक पे 10%। वेरी गुड, एक आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए भी रख लो, आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है बेटे, दोनों के लिए है, एक आप दोनों भाई बहनों के लिए, एक आपके लिए, एक आपके लिए, आपके लिए। बॉम्बे नोवेल्टी के पहले बलवीर भाई की शॉप से एक आपके लिए और है, एक आपके लिए रख लो बेटे, एक आपके लिए भी है। 36 नंबर कितने पर है? 10 पर। और यहाँ पर डैग भी मिलते हैं और यहाँ पर बच्चों के सारे खिलौने उपलब्ध। वेरी गुड, एक आपके लिए है, आप दोनों के लिए है बेटे, 36 नंबर 10 से है, एक आपके लिए भी है, आपके लिए भी है 2,000 रुपये, एक आपके लिए 2,000 रुपये वाला ये पर्स, एक आपके लिए भी है बेटे, एक आपके लिए है और एक एक और है। श्री टिकटॉक रेस्टोरेंट बेकरी 10% केक पर ऑर्डर करते हैं तो डिस्काउंट और 15% रेस्टोरेंट पे, एक आपके लिए बेटे, आप दोनों के लिए, एक आपके लिए है, आपके लिए भी टिकटॉक रेस्टोरेंट फास्ट फूड बेकरी से, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके, एक एक आप दोनों के लिए। आपके लिए गोल्डन लाइफ एक्वा, एक एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी बेटे, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ एक्वा से है, एक आपके लिए। इनके क्या है? यहाँ पर इंडक्शन कुकर है और यहाँ पर 5 लकी ड्रॉ है, पल्सर बाइक है और गोवा जाने के लिए ट्रिप है और मलेशिया का ट्रिप है और यहाँ पर स्मार्ट ग्रहणियों की स्मार्ट पसंद और इस 6वां साल चल रहा है उनका, 17वां है। कौन सी जनरेशन का इंडक्शन आया इस बार? 6th जनरेशन का आया है। वेरी गुड, आपके लिए बेटे, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ एक्वा, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है बेटे, गोल्डन लाइफ एक्वा से है, एक आपके लिए और एक आपके लिए। लेकिन पानी ज्यादा आप फैलाना नहीं, सबके लिए एक एक पिचकारी और है, यहाँ हो मेला चले। ये त्रिपुर त्रिमूर्ति प्लास्टिक चावड़ी बाजार से, एक आपके लिए भी है बेटे, एक एक आपके लिए भी है। त्रिमूर्ति प्लास्टिक चावड़ी बाजार आकाश बजाज जी की ओर से है, एक आपके लिए भी है बेटे त्रिमूर्ति से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है त्रिमूर्ति प्लास्टिक से। आपके लिए अनेजा मॉल से रखिए, एक आपके लिए अनेजा मॉल, एक आपके लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए अनेजा मॉल ICICI बैंक गांधी मार्केट, एक आपके लिए अनेजा मॉल गांधी मार्केट ICICI बैंक लाइब्रेरी के अपोजिट। यहाँ पर सूट भी है और लहंगा 2,500 से स्टार्ट है और साड़ी 199 से स्टार्ट। और लहंगा कितने तक का है? ये 2,500 से लेकर 1,00,000। और एक ही छत के नीचे पूरा पूरा सामान है ना, एक आपके लिए। मौसी ले चुकी है इससे सूट। पक्का? कैसा है? बहुत अच्छा लगा। आप खुद गए थे क्या? हाँ। कैसा है मतलब, शानदार थी? हाँ, मम्मी मैं और मौसी गए थे। विद्या रानी कसम? अच्छा था। विद्या रानी कसम। और बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। हाँ। है ना। हाँ। रजत अनेजा जी का है, एक आपके लिए है,
एक आपके लिए भी है, अनेजा मॉल से बेटे एक आपके लिए है, आपके लिए है, दोनों के लिए है, एक आपके लिए भी है, आपके लिए भी है बेटे, और एक आपके लिए। यहाँ से सीधे विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर शोरूम के अंदर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर, यहाँ MD हैं अंजलि बत्रा जी। भाभी जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक धन्यवाद दूंगा कि लॉकडाउन के टाइम आपने जो हेल्प की है लोगों की, कैसे कर लिया आपने सब कुछ? नहीं भैया, बस ऊपर वाला ताकत देता है हमें कुछ बेहतर करने के लिए, और भगवान ने एक जीवन दिया है, उसमें अगर जिन लोगों को ज़रूरत है हम उनकी मदद कर सकते हैं तो शायद हम अपने जीवन को सार्थक साबित कर सकते हैं। अब मैं मेले पे आता हूँ, ग्वालियर का व्यापार मेला 15 अप्रैल तक था, क्योंकि मेरी दीपक भैया से मेरी बात हुई थी ऑनर से, उन्होंने साफ बोला था गुड्डू भैया 15 अप्रैल तक मेला होगा तो हम लोग जाएंगे, तो ऐसा जब पूरा डिसीजन हो गया कि यहाँ 15 अप्रैल तक मेला है, तो भाभी जी ने यहाँ उनको मतलब बात की, अब एकदम अचानक प्रशासन के एक नए आदेश आ जाते हैं और मेला 28 मार्च तक होता है, आप लोग तो इंतज़ार 15 अप्रैल का भी, अगर आप शहर से बाहर रहते हैं भाभी जी, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मेले के जो फ़ायदे रहते हैं, अब ये 28 मार्च तक हो गया, 27 से 28 का लॉकडाउन हो गया, तो एक दिन का और लॉस हुआ है, अब ये जो शहरवासी जो प्यार करते हैं विशाल फर्नीचर को, विशाल विंडो कूलर को, इनके लिए क्या आप मतलब फ़ायदा रहेगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ से सभी शहरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इस साल होली हमें तिलक की होली मनाना है, और हमें ध्यान रखना है कि मास्क को वेयर करके मनाना है। और जो दूसरा प्रश्न अभी गुड्डू भैया ने यहाँ पर उठाया कि प्रशासन ने मेले को जल्दी बंद कर दिया, तो वाकई में जान है तो जहान है, तो कोविड का ख्याल रखते हुए प्रशासन ने जो डिसीज़न लिया है वो हम सबके सर माते हैं, और उस डिसीज़न का हम वैल्यू करते हैं, उसको हम समझते हैं, लेकिन हम विशाल विंडो कूलर आप लोगों का नुकसान नहीं होने देगा। जो फ़ायदे मेले में 15 अप्रैल तक थे वो सभी फ़ायदे आपको शोरूम पर मिलेंगे 15 अप्रैल तक। आप आइए और पूरे मेले का आनंद आप हमारे शोरूम पर उठाइए, और वहाँ से आप जो भी आइटम लेते हैं, जो भी हमारे ऑफर मेले में चल रहे थे वो एज इट इज वहाँ पर चलते रहे। अच्छा, ये फाइनेंस की जो स्कीम है भाभी जी, वहाँ मतलब पूरा साल चलेगी? बिल्कुल, फाइनेंस की स्कीम वहाँ पर चलती रहेगी, और आप लोगों के लिए कई सारे नए मॉडल्स वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। आप आइए और एक बार विजिट कीजिए और विशाल विंडो कूलर और फर्नीचर्स के आइटम्स को देखिए। तो दोस्तों, यहाँ 15 अप्रैल तक देखिए, जहाँ मैं जिन जिन प्रोडक्ट्स को यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर 28 तक आप अगर यहाँ 29 को आते तो शायद मेले में आपको सिर्फ यहाँ शॉपकीपर सामान लेबर मिले, आपको सामान ले जाती हुई, हो सकता है शोरूम आपको यहाँ ओपन ना मिले। तो अगर आपको ये सारे फायदे चाहिए, वो भी विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर, स्लिप बेल मैट्रेस के, तो 15 अप्रैल तक स्थानीय शोरूम जिनसी नाला नंबर 1 ऊंट पुल के पास, पूरे फायदे 15 अप्रैल तक आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर आप कूलर लेते हैं एक्सचेंज ऑफर रहेगा, अलमारी लेते हैं एक्सचेंज ऑफर रहेगा, फर्नीचर लेते हैं पुराना फर्नीचर लाओ नया ले जाओ, या फिर स्लिप बेल मैट्रेस अगर आप लेना चाहते हैं अपने मतलब अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन में कोई गद्दा या कुछ भी बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए 15 अप्रैल तक सारी स्कीम्स मौजूद रहेंगी। लेकिन ग्वालियर का व्यापार मेला तो अभी 1 नंबर छतरी में विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर का शोरूम, लेकिन इसके बाद ग्वालियर व्यापार मेले के बाद 15 अप्रैल तक सारे फायदे ऊंट पुल के पास जिन जिन नाला नंबर 1 विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर स्लिप बेल मैट्रेस। हेमा शर्मा, कहाँ रहते हैं? विवेक बिहार। विवेक बिहार में रहते हैं, तो मालूम है चितने ये सिद्धि विनायक? हाँ, चितने सिद्धि। रखिए, सैनिटाइज करिए सबसे पहले अपनी फैमिली के हाथ। क्या नाम है तेरा? खुशी। मास्क नीचे। कहाँ पे ये सिद्धि विनायक? चितनीस की। हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले। नाम? पिंकी मित्तल। एडवोकेट पिंकी मित्तल बोलो ना। एडवोकेट पिंकी मित्तल। कहाँ पर है ये सिद्धि विनायक? चितनीस की। हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले वकील साहब। आपका नाम? शुभांगी सोनी। कहाँ रहते हैं आप? जनकगंज। तो कहाँ पे सिद्धि विनायक? चितनीस की। हाथ सैनिटाइज करिए सबसे पहले। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? मुंह आप खोल लो। उल्फत। और क्या नाम है? उल्फत। उल्फत जी। अच्छा, उल्फत नाम है आपका। तो मालूम है ना ये कहाँ पर है सिद्धि विनायक? चिटनिस की गोट। हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले, खोलो सैनिटाइज करो। नाम? राम निवास वर्मा। कहाँ रहते हैं? भिंड में रहता हूँ। अरे तो कहाँ देख रहे हैं मेले का प्रोग्राम? ये यूट्यूब पे देखता हूँ, और सारे बच्चे भी देखते हैं, काफी पसंद करते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे जी। टीवी से अटैच कर लेते हैं आप? जी, वो स्मार्ट टीवी है तो वो हो जाता है। बहुत, बहुत तो अच्छा। भिंड में ही देख रहे हैं आप जी, और स्पेशली जो डांसर है उनका डांस बड़ा लड़कियां पसंद करती हैं। उमा का? जी जी, उमा का। चलिए, वेरी गुड। पहचान है सोनम।
जी। अच्छा, और एक भैया भी हैं वो साथ रहते हैं जी? नहीं, डांस करते हैं। अच्छा, वो करण? हाँ, वो उनके साथ में करते हैं काफी, मतलब इनके स्टेप कॉपी हो रहे हैं। मालूम है ना आपको चिटनेस की? वेरी गुड। अगर आप भिंड में रह के पहचान रहे हैं तो हमारी मेहनत सफल हो गई है कि भिंड में भी जहाँ आप प्रोग्राम देख रहे, रखिए हाथ सैनिटाइज करिए सबसे पहले आप अपने। नाम क्या है? विकास। ये वैसे यहाँ विद्युत का काम करते हैं लेकिन है तो मेला सैलानी भी। सबसे पहले आप हाथ सैनिटाइज करो सिद्धिविनायक ज्वेलर्स। लाड पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आपकी बदौलत ये मेला चल रहा है, आप लोगों की मेहनत है जो ये मेला चल रहा है। हाथ सैनिटाइज करो, अपनी पूरी टीम के कराना आप, ये आप अपने पास ही रखो हमेशा, इससे हाथ सैनिटाइज करते रहना। ओके सर। अमन का कहाँ रहते हो जी? लोको। लोको पर रहते हो जी? तो कहाँ पर है सिद्धिविनायक? चित्रिशी रोड सामने गली। रखो हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले, आप डांस करोगे आज आप जी? दोनों है कौन वैसे रिश्ते में? बहन में भी है, खास बहन है, खास बहन है। और रिश्ते में क्या है? दौरानी जेठानी। दौरानी जेठानी है? हाँ। दोनों बहनें दोनों भैया को मतलब एक एक ही घर में जी? वेरी गुड। कुछ क्या सुना रहे हैं आज मिलके? बड़ा कौन है आप में? अच्छा, कितने साल? ये 4 साल। अच्छा, आप 4 साल बड़े हो लगते नहीं, नहीं आप? हम छोटे, 4 साल छोटे दिखते हैं। हम छोटे हैं 4 साल। अच्छा, ये आप? हम बड़े, मतलब आप 4 साल इनसे छोटे हो? नहीं नहीं, बड़े। अच्छा, आप लंबाई में बड़े हो? ये लंबाई उम्र में भी बड़े हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक। एक है। और आपके? दो बेटियां। आपके दो बेटियां हैं और आपके? एक बेटा। फिर तो आप छोटे हो गए, दोनों की शादी हो गई है ना जी? मिलके क्या सुना रहे भजन? हाँ। मिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा, तीसरा तेरा नजर झुकाना दिल दीवाना हो गया। सामिनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। वेरी गुड। बहुत शानदार है, प्रोग्राम देखते हैं आप। हाँ। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा। सच्ची में अच्छा लगता है। हाँ। हमारे बच्चे भी नहीं छोड़ते आप। ये मेला जल्दी खत्म हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है बेकार लग रहा है? नहीं, बेकार लग रहा है। बेकार लग रहा है, लगाना ही नहीं चाहिए था जब इतनी जल्दी खत्म करना था तो, है ना? क्या नाम है? खुशी। अच्छा, क्या सुनाओगे आप? बैक टू बैक शायरी। बैक टू बैक शायरी। और आप? शायरी। बैक टू बैक शायरी, बैक टू बैक कह नहीं सकती जब इतनी याद है। चलो, पहले आपका नाम पिंकी है जी, और आप? खुशी। खुशी, खुशी और पिंकी जी एक वकील हैं, और आप? 12th में। अच्छा, आप 12th में हो? इतनी बड़ी हो गई 12th में ही हो, है ना? और मैंने तो पढ़ाई भी छोड़ दी कभी की। चलो कोई बात नहीं, अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये तो जन्नत का दरवाजा माँ के पैरों से खुलता Very है। good. इस तरह इंसान को कैसे क्या बना दिया, किसी को दीवाना पागल बना दिया, दो फूल का बोझ ना उठा सकती थी मुमताज साजा ने, उसी पर ताजमहल बना दिया। Very good. खुदा के मंदिर में फरियाद करती हूँ, खुदा के मंदिर में फरियाद करती हूँ, खुदा जिसे सलामत करे जिसे मैं प्यार करती हूँ। कत्ल करके वो कातिल का नाम पूछते हैं, दर्द देकर वो दवा का नाम पूछते हैं, मर गए हम आपके उस अदा पर होकर मेरे खुदा का नाम पूछते हैं। दुश्मनों से वो हमारी बात नहीं होती, दुश्मनों से वो हमारी बात नहीं होती, शेर के आए कुत्ते की औकात नहीं होती। एक खुदा तुझसे क्या माँ, ए माँ खुदा से क्या मांगू तुझे पाने के बाद, किसका करूँ इंतजार तेरे आने के बाद, क्यों इश्क में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी ये जाना तुझसे इश्क करने के बाद। वेरी गुड। पतझड़ में पत्ते तो बहुत से गिरते हैं लेकिन उठाता कोई नहीं है, इश्क तो बहुत से करते निभाता कोई नहीं है। इश्क ने इंसान को कैसे क्या बना दिया, किसी को ये तो मैंने सुना, तलाश क्या करना मंजिलों की, वक्त हर हर मंजिल दिखा देता है, मरता नहीं कोई किसी से जुदा होकर, वक्त हर किसी को जीना सिखा देता है। वाह, पढ़ पढ़ के सुना रहे हो, चीटिंग कर रहे हो और क्या? बैक टू बैक का ब्लॉग है, बेईमानी गली रोमांटिक गली और क्या, रोमांटिक गली पढ़ पढ़ के सुना रहे हो, बिना पढ़े सुना रही है, ऐसा थोड़ी होता है, बेईमानी गली रोमांटिक गली। चलो और कोई याद वाली सुनाओ। याद वाली? हाँ। हमने शेर मारा बाबा हो गई, हमने शेर मारा बाबा हो गई, तुमने शेर मारा शेर नहीं विधवा हो गई। और तेरी ये ठीक। लहरों से पानी हटाया नहीं जाता, गम में रोने वाले को हंसाया नहीं जाता, लोग खुद बन जाते हैं अपना अपना कहकर, किसी को बनाया नहीं जाता। आँख खोलूं तो चेहरा मेरी माँ का हो, आँख खोलूं तो चेहरा मेरी माँ का हो, लेकिन मेरी मेरी मौत पर कफन मेरी माँ का दुपट्टा हो। वेरी गुड। अब याद नहीं है, अब याद नहीं है, अब भूल गए सब। चलो चलो चलो।
हमने तो हमने अपना उन्हें लूटा का। अरे ये तो सुना नहीं रहा, दूसरी बार चीटिंग निकल लियो, दूसरी बार सुना रहे, ऐसा थोड़ी होता है। किताब खोलो, दूसरी किताब पढ़ लो, हम तो कहते दीदी हमारा केस लड़ लो। मतलब अगर कोई वकील देगा तो अपनी मेले में आ गया, खो गया, मेले में आ गया, खो गया। दीदी तो फिर भी ट्वेल्थ में, मैं तो इलेवंथ में 3 बार फेल हो गया। तू बाबू ही है ना? हाँ मैं बाबू। पक्का? पक्का। 100%? 90%। 90%, 10%? शक हो रहा है। तेरे को अपने ऊपर? हाँ। अपने ऊपर शक हो रहा है? हाँ। चल निकल यहाँ से अभी। बीच में कुछ भी गुस्सा आता है, कभी भी गुस्सा। अरे अब नहीं आऊँगा ना, नहीं आऊँगा मैं। आप कहो तो यहीं से जाऊंगा, आप कहो तो कहीं से भी यहीं से जाऊंगा। जितना भी हट बोल देना, जितने भी चाटा मार देना, मैं तो लौट के यहीं आऊंगा। अब तो जा रहा हूँ, अब नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। क्या नहीं करेगा? अब बीच में नहीं आऊंगा। चलिए, बहुत शानदार सुना है। क्या नाम है आपका? शुभांगी सोनी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं जनगंज। जनगंज वार्ड 42 में रहते हैं जी। तो क्या सुनाएंगे आप? मैं एक सॉन्ग है और एक माता का भजन है, पहले सॉन्ग सुनाता हूँ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं दीवानी। सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस बहुत शानदार। मैया की चिट्ठी आई, हो मैया की चिट्ठी आई, मंदिर में चलेंगे भाई, देख लिफाफा रे। खुश हो के झूम रहे हैं मम्मी पापा रे, खुश हो के झूम रहे हैं मम्मी पापा रे। अरे वेरी गुड, बहुत 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 शानदार है। 42 में रहते हैं ना जी? हाँ आ रहा हूँ मैं इस बार, अब मैंने भी मूड बना लिया है। बिल्कुल आ रहे हैं आप, मालूम है ना? बिल्कुल पता है हमें, हम सब आपके साथ हैं। पक्का है एकदम? पक्का एकदम। बाढ़ 42 मैं पिछले 23 सालों से तो सम्मान बढ़ाता हुआ आ रहा हूँ पूरे विश्व में बाढ़ 42 का, और पक्का बता रहा हूँ अगर बाढ़ 42 में लड़ूंगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोई भी पार्टी हो सकता है मुझे टिकट ना दे। अच्छा, पक्की बात है, अपन तो काम कराने पर विश्वास रखते हैं, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, काम ऐसा होगा कि पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। अभी मैं आपको कुछ, हाँ माता जी, नाम? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रो के जमाना चाहे रो के खुदाई तुमको आना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, तरसती निगाह बस बस। ए ए सुनो ना, बात सुनो माता जी, एक और सुनाओ, कपाली सुनाओ, एक गला नहीं चलने वाला, ऐसे ही धीरे धीरे सुना दो। अच्छा कितने बच्चा है तुम्हारे? 4 मोड़े हैं, 4 मोड़ी है, 4 मोड़े 1 मोड़ी है। शादी है गई तुम्हारी? सब हमारी का, हमारे बच्चों की। अरे मैं तो तुम्हारी पूछ रहा था, बच्चों के बच्चों। अच्छा, की हो गई। टीवी पे देखते हो आप? हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। रहते कहाँ हो आप? लोको। लोको में रहते हो? अभी मैं आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे रहा हूँ। आजाब अब आप बताइए क्या सुनाइए जी? गाना सुनाऊंगा, गाना दे। अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम वैसे भी। और वेरी गुड, बहुत शानदार है, बहुत शानदार सुना है। हाँ साहब, नाम क्या है आपका वैसे? विशाल। विशाल जी, शायरिया? हाँ। आने दो बराबर। अब तो अपनी भी तबीयत जुरा लगती है, और सांस लेता हूँ जख्मों में वाह लगती है। वाह वेरी गुड। कभी राजी तो कभी खपा लगती है, और जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। वेरी गुड। और ये दुनिया तो बड़ी बुझदल है यारो, किसी पे भरोसा नहीं, और शिकवा करूँ मैं इस जहाँ से, और टूट के गिरें डाली इस जहाँ पे, हंसकों को उनको भगा दूँ पर मुझे रोने की आदत नहीं। वेरी गुड, बहुत शानदार। और एक और भाई,
सोचना पड़ेगा थोड़ा, वो कम क्यों होगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं फिर से आपको कवर कर लूंगा। तो अब आप डांस कर रहे हैं जी, कौन से गाने? आंख मारे लड़की आंख मारे, अमन अमन। आप ऐसे आप डांस करते हैं क्या? जी मैं सिखाता हूँ, कर लेते हैं जी। इसका मतलब डांस आपने अच्छा किया, अच्छा किया है। तो एक बार घर पे बैठ के अभी ठोक दो ना ताली, कंजूसी काहेगी। टिकटॉक बेकरी कहाँ पर है? गोलपाड़िया। क्या है क्या इनकी यहाँ? रबड़ी और रसमलाई का केक है, पान फ्लेवर भी है, और ऑर्डर करने पे आप 200 रुपए की थाली है, और रेस्टोरेंट भी खुला है। वेरी गुड, एक आपके लिए रख लीजिए टिकटॉक बेकरी से, एक आप दोनों के लिए ये उपहार है। ये कौन सी चाय है? पद्मश्री। कहाँ मिलती है ये? सारे है ना जनरल स्टोर पे मिलती है, वैसे नया बाजार में आरआईटी। और कौन कौन सी चाय इनके यहाँ है? इनके यहाँ पे इंस्टेंट चाय है, और मतलब सब प्रकार की चाय है, और जो बाजार में 250 से 300 रुपए में मिलती है वो इसमें होटल में जो मिलती है इंस्टेंट टी, वो उनके यहाँ उपलब्ध है। एक आपके लिए है, ये कड़क चाय इलायची मिक्स है, वो आपको चाय में इसमें इलायची मिलाने की जरूरत नहीं है, आपने बेस्ट किया है। सिद्धि विनायक ज्वेलर चिटनिस की साबुन वाली गली, उनकी तरफ से आपके लिए स्पेशल है ये पद्मश्री चाय। कहाँ पर मिलती है ये बता दो। इतना चलिए एक शायरी और जल्दी से, माइक मेरे पास ही रहेगा। एक रोज हम घर से निकले और दिल में भी कुछ अरमान थे, एक रोज हम घर से निकले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ शमशान थे तो एक तरफ झाड़ियाँ आती, पैर तले के गड्डी आई उसके भी कुछ बयान थे कि चलने वाले जरा संभल के चल, हम भी किसी रहने के इंसान थे। बहुत शानदार है, अभी एक मिनट रुको, मैं आपको गिफ्ट भी दूंगा। मुझे मालूम है आपको ये कौन सी चाय है, पद्मश्री कहाँ मिलती है जी? नया बाजार। नया बाजार आरआईटी कंपनी, बाजार में? बाजार में शॉप पे मिलती है, भी मिलती जी, जी, आपने इस्तेमाल किया है? शॉप पे मिलते जी। कैसी है? कड़क है एकदम, कड़क है आप जैसे। एक आपके लिए 250 ग्राम में चम्मच भी निकलती है आपके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक आपके लिए भी है, आपके लिए है, आपके लिए रखो, रखते जाओ। एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय, एक सारी और जल्दी से, एक आपके लिए भी। ऐसो से मोहब्बत कौन करे जो अपने हुस्न पर नाज करे, और जा समझा लेना दिल अपना तेरी रोज कुसामत कौन करे। वाह वेरी गुड, आपके लिए स्लिप बेल मैट्रेस विशाल फर्नीचर से। ये विशाल फर्नीचर स्लिप बेल मैट्रेस से है, विशाल विंडो कूलर से है। एक आपके लिए रखिए विशाल विंडो कूलर, एक आपके लिए विशाल फर्नीचर से रखो, विशाल विंडो कूलर से रखते जाओ। आपके लिए एक, आपके लिए विशाल फर्नीचर, आपके लिए टिकटॉक फास्ट फूड रेस्टोरेंट और बेकरी कहाँ पर है ये? गोलपाड़िया। वेरी गुड, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए है, आपके लिए भी टिकटॉक से। हाँ सुनाओ सुनाओ जल्दी, एक और सुनाओ, आप सुनाओ तो सही, फिर दूंगा ना मैं। याद करो जब तक मैं सुना रहा हूँ, टिकटॉक बेकरी से रखो एक आपके लिए, याद करो एक आपके लिए भी है टिकटॉक बेकरी से, और एक आपके लिए गोल्डन लाइफ एक्वा। कौन सी जनरेशन का इस बार इंडक्शन आया गोल्डन लाइफ पे? न्यू 6th जनरेशन का। एक आपके लिए है वकील साहब, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी रखो माता जी, गोल्डन लाइफ एक्वा से एक आपके लिए। हाँ एक और शायरी, पहले शायरी लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने भी मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कलम रोने पे मजबूर हो जाए, और हर दर्द में वो लफ्ज पैदा करो जिससे गजल बनने पे मजबूर हो जाए। वाह वेरी गुड, आपके लिए गोल्डन लाइफ एक्वा से, और एक आपके लिए, एक एक और आपके लिए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एक आपके लिए ये टिकटॉक फास्ट फूड रेस्टोरेंट और बेकरी। उनके यहाँ से केक लेते हैं 10% डिस्काउंट, और अगर आप वहाँ से कुछ खाते हैं उनके रेस्टोरेंट 15% डिस्काउंट ये आपके लिए पीछे है, 31 मई तक वैलिड है। एक 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 आपके लिए है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए रख लीजिए टिकटॉक फास्ट फूड रेस्टोरेंट और बेकरी से, एक आपके लिए भी डिस्काउंट कूपन है 10% केक पर और 15% और बॉम्बे नोवेल्टी के पहले छठी नंबर 10 से, एक आपके लिए भी है। अब ठीक है वकील साहब, रुपया चाहे असली हो चाहे नकली हो, हंसी तो आती है, ठीक है काफ़ी है, काम हो जाएगा, आपके लिए रख लो बॉम्बे नोवेल्टी से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है, 2000 रुपया दूंगा। एक शायरी और, कीचड़ में पैर रखोगे धोना तो पड़ेगा। हाँ। और हम जैसे शादी करोगे धोना तो पड़ेगा। एक 2000 रुपया आपके लिए रखो बॉम्बे नोवेल्टी से, थाले रहो। जैसे शादी करोगे रोना तो पड़ेगा। एक आपके लिए है बॉम्बे नोवेल्टी से, यहाँ पर नहीं वो तो सिद्धि विनायक है, हनुमान चौड़ा है, गांधी मार्केट है ना, कितने रुपए से साड़ी चालू है इनके? 109। एक्चुअली क्या होता है शोरूम इतना बड़ा है कि बहुत से लोग अंदर जाने से डरते हैं और ये महंगा होगा, मैं कह रहा हूँ रीजनेबल रेटों में 199 से, अगर जिस इतने बड़े शोरूम में अगर साड़ी चालू हो रही है समझ लीजिए रीजनेबल है। आपके लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए भी, कितने से लहंगा चालू इनका, कितने रुपए से खरीद सकते हैं? 2000 से, 2500 से, 1,00,000 रुपए तक का लहंगा। एक आपके लिए है अनेजा मॉल, कहाँ पर?
आईसीआईसीआई बैंक गांधी मार्केट कहाँ पर है? आईसीआईसीआई देखा है आपने? देखा नहीं है, रखिए एक आपके लिए है अनेजा मॉल से। लो बच्चन की भी आ गई तुम्हारी शादी के बाद, बच्चन की भी आ गई ना, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। कितने साल है तुम्हारी शादी को? 70-80 साल की तो तुम खुद हो, शादी कैसे आ गई? शादी कब पैदा होते ही कर दी थी क्या संग में? रखो को हुआ तो नहीं है, बहुत शानदार है। एक आपके लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से। कहाँ रहते हैं आप? लोगों पे तो प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। एक फिल्म की शायरी है, सुना दो। फिल्म की है, सुना दो। बोल सकता हूँ? दो बैराग है। बोल दूँ? जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन तो ठुकराएगी, और मौत ऐसी महबूबा है जो एक दिन तो आएगी। बहुत शानदार है अनेजा। रुक जाओ, अनेजा मॉल कहाँ पर है? अनेजा मॉल गोल गांधी मार्केट। गांधी मार्केट। इनके यहाँ कितने रुपए से साड़ी चालू है? 2000 लहंगा चालू है, 199 से साड़ी चालू। हाँ एक आपके लिए। क्यों बनाती हो रेत के महल, एक रोज तो खुद मिटाओगी, आज कहती हो कि दिल से प्यार है, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी। वाह, एक पुरानी सुना के जाता हूँ मैं तुम्हें जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे आना है। फूलों की हंसी हो सितारों की अदा है, फूलों की हंसी हो या सितारों की अदा है, बस इसी तरह मुस्कराते रहे, हर साल मेले में यूं ही आते जाएं। थैंक यू। आइए चलते हैं यहाँ से सीधे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर कंपनी शोरूम के अंदर। मौजूद हूँ दोस्तों यहाँ मैं गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर कंपनी शोरूम के अंदर। आज 27 मार्च है, 28 मार्च एक बड़ा कंफ्यूजन वाला डे है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। हो सकता है कि ग्वालियर व्यापार मेले में यहाँ शॉप्स आधे दिन या हो सकता है पूरे दिन, जैसा भी हो मैं आपको रात तक यहाँ सचिव महोदय से पूछ के क्लियर जरूर करूँगा कि क्या वास्तव में भी मेले में उसका असर रहेगा या नहीं। अगर नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, और रहता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि 28 मार्च यहाँ मेले की लास्ट अवधि बताई गई थी और आज 27 मार्च है। अगर लॉकडाउन रहता है यहाँ भी तो फिर ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा मेले के बाद सिटी सेंटर बिहाइंड एसपी ऑफिस वसुंधरा टावर सिटी सेंटर, और 15 अप्रैल तक आपको मेले के जितने फायदे हैं वो सारे फायदे आपको जो यहाँ शोरूम पे मिल रहे थे एज इट इज आपको वसुंधरा टावर। वसुंधरा टावर है जी, वसुंधरा टावर पटेल नगर, पटेल नगर एसपी ऑफिस के पीछे सर्विस सेंटर है, वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं और वहाँ सारे फायदे आप ले भी सकते हैं। एक बार खरीदें 5 बार जीतें। ये टच मॉडल इनके जितने भी आए हैं, ट्रिपल सेंसर 6th जनरेशन वाला जो भी है, ये 15 अप्रैल को ये सारे ड्रॉ खुलेंगे, उसमें हो सकता है एक आप भाग्यशाली विजेता बन जाए। 15 अप्रैल तक वहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 28 मार्च अगर ग्वालियर व्यापार मेला मिलता है खुलता है तो आप यहाँ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर बिहाइंड सिटी एसपी ऑफिस सिटी सेंटर वसुंधरा टावर में 2nd फ्लोर पे आप सारे ग्वालियर मेले के फायदे वहां प्राप्त कर सकते हैं। सीधे बॉम्बे नोवल्टी के पैलेस बलवीर भाई की शॉप पर मैं मौजूद हूं। बलवीर भाई यहां कल लॉकडाउन है, कल बलवीर भाई जी जी, तो लॉकडाउन को मेला खुलेगा क्या? ये नहीं, लॉकडाउन में शासन के नियमों का पालन करेंगे हम लोग, और हमारा व्यापारी हमारा आज ही यहाँ बैठा हुआ है, और कल से सारा प्लानिंग करेंगे हम लोग पैकिंग करने की जो शासन ने बोला है उसका। अच्छा, ये मुझे बताइए यहाँ पर आपकी जो शॉप है 36 नंबर 10 पे, जो खेल खिलौनों की दुनिया है या जो भी एंटिक आइटम सब तक आपने दिखाए, ये सब कहाँ मिलेंगे इसके बाद? इसके बाद मिलेंगे आपको डीडी मॉल में, सारे आइटम जो नए नए हम कलेक्ट करके लेके आए आइटम डीडी मॉल बॉम्बे नॉवल्टी में अपने लोअर ग्राउंड में, ये 786 शॉप का बॉम्बे नॉवल्टी के नाम से शॉप है मेरी, बस सभी आइटम मिलेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आइटम, ये रिंग लाइट आती, ये रिंग लाइट है मार्केट में 1000-1200 की, लेकिन अभी मेले डिस्काउंट में जिसको वहाँ लेना हो ओनली 550 रुपये में। चलिए बहुत, तो दोस्तों अगर आप मेला नहीं आ पाए हैं और खेल खिलौनों की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो 10 नंबर छतरी के बाद आप ग्वालियर व्यापार मेले से सीधे लोअर ग्राउंड डीडी मॉल में बलवीर भाई की शॉप है, वहाँ 12वें महीने आपको बलवीर भाई मिलते हैं और ये सारे आइटम वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। बलवीर भाई सारे आइटम उपलब्ध हो जाते हैं, 15 अप्रैल तक मेले की सारी स्कीम्स वहाँ देंगे आप? सारी स्कीमें मिलेंगी, उसके बाद भी थोड़ा आएंगे तो उसके बाद भी आपको सहयोग करेंगे दुकानदारों का। लेकिन अभी ग्वालियर व्यापार मेले में आज ये बोल सकते हैं आखिरी है, क्योंकि 28 मार्च लॉकडाउन हो गया है तो शायद एक दिन और मेले का कम हुआ, लेकिन डीडी मॉल लोअर ग्राउंड बॉम्बे नॉवल्टी के पहले बलवीर भाई के उस शॉप पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट, और हो सकता है 2021 का ये आज लास्ट कॉन्सेप्ट हो, अगर लॉकडाउन ग्वालियर व्यापार मेले में भी लगता है और पब्लिक नहीं रहती तो। सबसे पहले मैं
यहाँ परिचय करवा देता हूँ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सविता करोटिया। और आपका? दुर्गेश करोटिया। सास बहू हैं आप, कहाँ है सिद्धि विनायक? चिटनिस की गोट। हाथ सैनिटाइज करिए सबसे पहले आप अपने। नाम आपका? सिमरन। मंजू मसौरी। कहाँ रहते हैं? बिरला नगर। बिरला नगर। आप दोनों माँ बेटी? हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले। कहाँ पे सिद्धि विनायक? चिटनिस की गोट। वेरी गुड। नाम? प्राची डकेता। गुंजन डकेता। कहाँ रहते हैं? लक्ष्मीगंज। लक्ष्मीगंज रहते हैं। सिद्धि विनायक कहाँ पर है? चिटनिस की गोट। हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले आप दोनों अपने। नाम साहब? राम प्रकाश सोनी। आपका? ममता सोनी। कहाँ है ये सिद्धि विनायक मालूम है ना? चिटनिस की गोट। चिटनिस की गोट देख रहे हो ना टीवी पे? रखो हाथ सैनिटाइज करो। नाम? ज्योति राठौर। प्रियांशु राठौर। आप दोनों? माँ बेटे। माँ बेटे हैं। कहाँ है सिद्धि विनायक? चिटनिस की गोट सावन वाली। रखो हाथ सैनिटाइज करो। नाम आपका? मास्क नहीं। काजल। अनीता। आप दोनों? बुआ भतीजी। बुआ भतीजी हैं। मालूम सिद्धि विनायक कहाँ है? चिटनिस की गोट सावन वाली। हाथ सैनिटाइज करो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के हाथ सैनिटाइज करवा लो। और आपका नाम क्या है? अनुष्का परियार। कहाँ रहते हैं आप? गुड़ी गुड़ा के नागे। प्रोग्राम भी देखते हैं ना? कहाँ है सिद्धि विनायक? चिटनिस की गोट साबुन वाली गली। आप हाथ सैनिटाइज कर लो सबसे पहले। आप में डांस कर रहे हैं कि सेल्फी कौन बेटर लेता है? लेके दिखाइए अपनी सास के संग में सेल्फी। पांच अलग तरीके से। एक, ये दो, तीन, हाँ हाँ तीन, चार, हाँ हाँ, और ये पांच। वेरी गुड। ये परफेक्ट दिख रहे हैं माँ बेटी। एक, ये दो, तीन, चार, ये पांच। वेरी गुड। ये आपने फोटो ली है, सेल्फी नहीं ली। सेल्फी अलग होती है ना, वो गुड़िया करके बताए। ये भी आप देखना, मास्क नीचे करो। हाँ, एक, दो, तीन, चार, वेरी गुड, पांच। हाँ ये भाभी, हाँ ये भाई साहब, आप बड़े एक्सपर्ट दिख रहे हैं ये। एक, दो, हाँ हाँ, ओए होए होए, तीन, हाँ 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 हाँ, ये सवा तीन, हाँ हाँ, चलन दो चलन दो। अरे इनको नहीं आओ फोटो में, इनको तुम्हारा मारा अकेले। हाँ ये पौने चार। अरे एक्शन तो बदलो, ये वाला करता तुमने पहले ही। हाँ ये चार, चार चार हुए, ये पांच। वेरी गुड। हाँ ये माँ बेटी देख। एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। ये बुआ भतीजी परफेक्ट दिख रही है सेल्फी में, मास्क नीचे करके। हाँ एक, हाँ हाँ दो, वेरी गुड, ये तीन, वेरी गुड, ये चार, ओ वेरी गुड। आपके लिए क्लैपिंग मिलेगी यहाँ पे, आपने बहुत अच्छी सेल्फी ली है। कर क्या रहे तुम लोग? ये सेटली ले रहे हैं। हैं सेटली क्या कहते हैं? सेल्फी। सेल्फी सेल्फी ले रहे हो तुम लोग इसके संग? हाँ। कौन है ये? ये मेरी मासी की लड़की है। ये मासी की लड़की है? कजन बहन। कजन कजन बहन है ये। कूड़े में मिली थी। काय में? कूड़े में। कूड़े में मिली थी। हाँ तभी तो देखो मक्की बैठी इसे गाल पे। चलो हो गया, हो गया, हो गया। ले अपनी बहन को चल ना। काली? मैं काली नहीं हूँ, मैं गोली हूँ। किसने बोला गोली? अरे भाई साहब कचड़े मिली थी, मैं कसम खाया हुआ। मासी मौसाजी को तो कचड़े में नहीं मिली थी, तो गल में बैठी थी। गल में नहीं बैठी थी, डस्टबिन में मिली थी। नहीं वो डस्टबिन नहीं था, तो मेरा स्विमिंग पूल था छोटा सा। हाँ स्विमिंग पूल था। गरीब? गरीब नहीं हूँ, अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ, ये बेकार है भाई साहब। नहीं मैं हूँ अमीर। जिसमें किसी को भी कुछ भी बना के ले आता है। स्कूल वालों ने निकाल दिया इसको स्कूल से। वालों ने निकाल दिया। चलो सर आप ही के चक्कर में निकाला। ये मॉडलिंग कैसे करते हैं ये दोनों सास बहू? मॉडलिंग करके दिखा रही हैं। आइए आइए आइए। ओहो आइए। ओहो ओहो
किसका किसका ऐड कर रहे हो आप? बलीर भाई छत्तीस नंबर 10। अच्छा बॉम्बे नोवेल्टी के पहले तो आप लोअर ग्राउंड आपको डीडी मॉल में सारी चीजें मिलेंगी मेले के बाद। आइए बहुत शानदार है, उधर से देखता हूँ। आइए, हाँ ये माँ बेटी है, आइए। वेरी गुड वेरी गुड। किसका ऐड कर रहे हैं आप? सिद्धि विनायक। कहाँ पर? चिट्ठी कोट सावन वाली गली। क्या है क्या? 600 से अधिक ज्वेलरी लेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। आ जाइए आइए, हाँ आइए। ओह वेरी गुड, किसका ऐड कर रहे हैं? अनेजा मॉल। अनेजा मॉल कहाँ पर? गांधी मार्केट आईसीआईसीआई बैंक के पास। क्या है क्या? लहंगा चुन्नी, लहंगा चुन्नी क्रॉप टॉप गाउन सूट साड़ी सब चीज़। मतलब बोलते हैं पूरी वेडिंग वेडिंग कलेक्शन या हाँ। या कोई भी सेरेमनी कलेक्शन जो होता है वो सब कुछ। हाँ, सब कुछ। मुंडन के लिए अलग से वहाँ पे वो किया। अच्छा, मुस्लिम समाज के लिए और अलग से कलेक्शन है। वेरी गुड, बहुत शानदार है। इधर से जेब दिख रहे हैं मेरे को, परफेक्ट आजाद। हाँ जेब परफेक्ट, मुंह तो खोल ले जब तो। हाँ जे ये तुम्हारी है क्या? पक्का? तो ऐसे आप घूम के आओ, आओ जरा आओ। अरे वेरी गुड, किसका ऐड कर रहे? विशाल विंडो कूलर। विशाल विंडो कूलर, बहुत शानदार। फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस बहुत शानदार है। आ जाइए आप दोनों, आइए माँ बेटे। वेरी गुड, किसका ऐड कर रहे हो? टिकटॉक बेकरी का। कहाँ पर है ये? पुलिस चौकी के पास गोलपाड़िया। इनके यहाँ चाउमीन रेस्टोरेंट है और मतलब रसमलाई केक भी मिलता है और रबड़ी वाला केक भी मिलता है। बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये बुआ भतीजी, आइए। ओह वेरी गुड, एक बार वहां से आओ ना, आइए आइए। ओह वेरी गुड, किसका ऐड कर रहे हैं? फाइनर डिस्कडो नई सड़क का। क्या है? होल्डिंग के स्पेशलिस्ट, फोटो के स्पेशलिस्ट हैं ये। हाँ, डॉक्टर हैं। हाँ, और क्या है इनका फोटो? और इनका मतलब जो नेता वगैरह के फोटो होते हैं ना वो पक्का उनका वो स्पेशलिस्ट हैं, होल्डिंग्स के फोटो के स्पेशलिस्ट हैं। चलिए बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। चलिए आ जाओ रास्ता क्लियर है, चलो सीधे सीधे। बहुत बढ़िया, वापिस आओ, पहले नंबर वाली लड़की वापिस आओ। अबे ये तो लड़का है। हाँ खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, चारों खड़ी हो जाओ। वेरी गुड, शाबाश। कौन है भाई? क्या हो गया? कौन है ये? ये मॉडल्स। ये मॉडल्स है ये? हाँ। ये किसका ऐड कर रही है? ये कर रही है आज, ये बहुत खतरनाक ऐड कर रही है। बहुत खतरनाक? अरे बहुत बड़ा ऐड कर रही है। एक्चुअली सर सीएनसी राउटर एंड इंटीरियर डिजाइनर अमूल गुप्ता जी का। अच्छा। हाँ। तो क्या है ये? ये कटिंग होती है बोर्ड पे, इंटीरियर मशीन है हमारे पास, मतलब सीएनसी। हाँ सीएनसी राउटर है। अच्छा। हाँ और ये भी जैसे मुंबई जैसे फ्लैटों में इंटीरियर डिजाइनिंग होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो भी हमारे की जाती है इंटीरियर डिजाइनर अमूल गुप्ता जी द्वारा। चलिए, और ये भी है? हाँ ये भी है। ये 3D है? ये 3D प्लाईबोर्ड पे डिजाइन काटा गया है। अच्छा, वैसे अपने हॉल में बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, इस पे कलर डाल के अपने घर को चार चांद लगा सकते हैं। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये 3D डिजाइन है। ये 3D डिजाइन अगर आपको मिलता है ग्वालियर में तो सिर्फ मिलता है सीएनसी सीएनसी राउटर। एक और आप ये देखेंगे, बहुत बारीक ये कटिंग है। ये अक्सर पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी, उनके जो कवर्ड रहते थे उसको अप डाउन करने के लिए ये रहते थे, और इसके साथ में कटिंग का शेप आप देखेंगे अंदर से फिनिशिंग। ये है श्री अचलेश्वर सीएनसी राउटर अमूल्य गुप्ता, इंटीरियर डिजाइनर। बहुत सारे लोग जो आप लोग हैं डरते हैं इंटीरियर डिजाइनर हायर करने में, पैसा बहुत लगेगा, क्योंकि होता है इंटीरियर डिजाइनर अगर आपने हायर किया है तो फिर इंटीरियर डिजाइनर के मन की चलती है, उनको जैसा करना है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि महज एक साल में आप लोगों ने अमूल्य गुप्ता को इतना ताकतवर बना दिया है कि आज पहले एक वर्ष में ही 7-8 साइडें उसकी कंटिन्यू रनिंग में चालू है, और जितने भी लोग मिलते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि गुड्डू भैया ये बेटा बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप भी इंटीरियर डिजाइन हायर करना चाहते हैं एक बार आप बात करके जरूर देखिए, क्योंकि वो पहले आपको डिजाइन बना के दिखाएगा कि रूम बनने के बाद आपका ऐसा लगेगा या शॉप बनने के बाद ऐसी लगेगी। नीचे डिस्प्ले पे मैं नंबर दे ही रहा हूँ, आप यहाँ नीचे जो देख रहे हैं श्री अचलेश्वर सीएनसी राउटर जो नीचे नंबर है ये अमूल गुप्ता जी का नंबर है। कहाँ गया वो तुम्हारा मैनेजर? आइए आओ मोहतरमा, हो गया
आइए। मॉडल्स हो, पजामा किसका पहने आया आज? पापा का। पापा पहनते हैं ऐसा? हाँ। पापा ऐसा पजामा पहनते हैं? हाँ। कि मम्मी पहनती है? पापा। पक्का पापा पहनते हैं? इतना ढीला महिलाओं की तरह पहनते हैं? हाँ, वो रात में पहन के सोते हैं। मम्मी का पजामा रात को पहन के सो जाते हैं पापा तेरे? हाँ। अच्छा पकड़ इसको, किसका पजामा ये? मम्मी का। मम्मी का पजामा मेले में ले आया? इधर इधर तो आ, आगे है। अरे नीचे कर, पकड़। कैमरा मैन है तू, टेक्निकल है, है बड़े बड़े शादियों के प्रोग्राम बुक कर, क्या कर रहा है ये उल्टा सीधा? किसका लेगा पहन लिया ये? जी मम्मी का, पढ़ाता तो मैंने कि पहन के देख लो आज क्या हो रहा है। मम्मी का लेगा? अबे मम्मी का पहन, शादी का है मम्मी की? मम्मी की शादी का लेगा ये? हाँ। चल ए भाई सीधिया पकड़ो ये, कहाँ रहती हो? गोली का मंदिर। गोली का मंदिर, चलो ये बेकार में नकली बाल लगा। ओए ए ए भाई उठ उठ, चलो। किसकी है मैक्सी? है पड़ोस वाली आंटी की है। पड़ोस वाली आंटी की मैक्सी ले आया तू? अरे वो एक्चुअली क्या है ना, हमारी छत और आंटी की छत बगल बगल में है, तो उनके उड़ के आ गए, उनको पता ही नहीं मैं पहन के आ गया, वो देख लेंगे टीवी पे। बाल तो तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं। रोज कंडीशनर करती हूँ ना एक्चुअली। अच्छा, ये अच्छे हैं ना, पकड़ इसको। जल्दी लग गई यार। चलो आओ, अबे क्या कर रहा है ये? घड़ी कर रहा हूँ। तो ऐसे घड़ी होती है क्या? अच्छा फिर से कर देता हूँ। ऐसे घड़ी होती? आप पकड़ना चाची। अब हो गई। चल इधर छोड़ उसको, जहाँ देखा यहाँ से बीच बीच में आ जाता है तू। बीच में नहीं आता मैं, साइड से आया था। अच्छी गाजी चल कर यहाँ से, अच्छी गाजी गुंडा लाए गुंडा। हाँ दो मिनट में, क्या है भाई ढक्कन? दो मिनट में डरा दूंगा आपको मैं, निकल जा सक भाई। देखिए मार रहे हैं मेरे को यार भैया, आप बोलो क्या कह रहे हो? हैं क्या कह रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो? पीछे का जा रहे हो, आगे आओ ना, डर गए? बोला था डर जाओगे। गुंडा ये गुंडे हो तुम? लगता नहीं होगा गुंडा है? गुंडा लगता नहीं होगा? तू गुंडा कम लग रहा है, चिड़िया घर का कुछ और लग रहा है ज्यादा। नहीं गुंडा ये गुंडा है ये? हाँ धक गुंडे भक आसास कहते थे। चल गुंडा आ गया, गुंडा तेरी वो ही है ना सब्जी मंडी में फ्रूट की दुकान है? नहीं फ्रूट का काम करता है ना तू? क्या नाम है तेरा? मेरा विक्की। विक्की है ना, चल सर गया कहाँ है जी, इसको देखना है केवल। इधर बिगले अंकल जी की बात। बाबू जाओ आगे, चल इधर। मैं तो अंकल बच्चों के साथ आया हूँ। इधर ए बाबू जाओ आगे, आगे चल। बाल ले अपने, बीच में आएगा तू? नहीं आऊंगा। गुंडा लाया था तू? गुंडा कर दी? अरे ये लाएंगी, मैं थोड़ी लाया था यार, ये लेकर आएंगी। गुंडा ले चल, गुंडा ले चल, गुंडा ले चल। कहना नहीं मानू अपने घर के बड़ों का, चल। मेरी परेशान दिमाग खराब है, तीन दिन से खाना नहीं खाया आपको पता है, मैंने दिमाग की एक्सरसाइज करके रख दिया अंकल यार। जा रहा हूँ मैं, चल निकल रहे यहाँ से। हाँ जा ही रहा हूँ मैं, बीच में नहीं आई हो? मैं बीच में आऊंगा भी नहीं, दौड़ के जाता हूँ मैं। अच्छा हाँ तू देख रहा, रोक लेना मेरे को। हाँ
ये झूला कौन रखता है यहाँ पे यार? बीच में नहीं आना। अरे नहीं आऊंगा, कुछ भी कर लेना। अब नहीं आऊंगा मैं। मैंने आपको बताया था ना कि धन नाभि ये चली जाती है तो बहुत सारी दिक्कत आती है, लूज मोशन होते हैं, उल्टियां भी आने लगती हैं और आप ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को तो पैरों में धागे, अंगूठे में धागे बांध के चलना पड़ते हैं। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपकी धन अगर खिसक गई है तो आप परेशान हो जाते हैं। एक बहुत सादा सिंपल नुस्खा है जो आज मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे ताऊ जी ने मुझे सिखाया था। जिसकी भी धन जाती है, देखिए इस मुद्रा में उसको नीचे लिटा दीजिए। अगर आप धन नाप लेते हैं तो वेरी गुड, धन का ये पिन पॉइंट रहता है, एक धागे से यहाँ इस पॉइंट पे और एक धागे से यहाँ इस पॉइंट पे। आप बराबर धागा यहाँ से हटना नहीं चाहिए, यहाँ से धागा लगाया यहाँ और फिर यहाँ, जिस जगह का धागा छोटा बड़ा होता है समझ लीजिए उस जगह की धन गई है। आपको सिर्फ इतना करना है, बाबू इधर आओ माइक पकड़ो, अगर इस साइड की ये धन गई हुई है आपको सिर्फ ये टांग उठानी है, ये टांग उठा कर ऊपर करो, ये किया, उसके अलावा ये आपने ये इस तरीके से किया, यहाँ पे एक आपने हाथ रखा, एक यहाँ, एक हल्का सा झटका, हल्का सा ये आपको प्रेशर देना है, ये दे दिए, देख लिया आपने ये। इसके बाद इसी तरीके से ये यहाँ पे लिया और ये हल्का सा प्रेशर दिया, सीधा किया, बस पकड़ो हाथ और धीरे धीरे आपको ऐसे खड़े रखना है, खड़े हो जाओ इस तरीके से, खड़ा करके सिर्फ दो बिस्किट खिला दीजिए, एक गिलास पानी पिला दीजिए, जिसकी भी धन गई है बिल्कुल जगह पे आ जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद आप मेरे को, मेरे ताऊ जी को देना जिन्होंने ये तरीका मुझे सिखाया है। आप ज़्यादा उपचार के लिए आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, ये तो देशी उपचार है, ये भी आप आजमा सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी इसलिए नहीं लूँगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे किसी ने सिखाया है, वह मैंने आपको बताया। अब देखते हैं विदा कैसी होती है इनकी। बारात में आप गई थी का? जी बारात में तो नहीं गए थे। बारात में नहीं गए थे तो कैसे आए थे? कैसेट में देखी थी। कैसेट में कैसे रो रही थी बताओ जरा आप, बताओ बताओ जल्दी। रफी रे ऐसी रोए थे आप? नहीं ऐसे रोए थे कि कैसे रोए थे बता दो, पक्का ऐसे रोए थे? चलो मम्मी की देखी थी क्या कैसेट? हाँ, कैसे रोई थी? हाँ, मम्मी मुझे नहीं जाना। ऐसे रोई थी मम्मी? हाँ, चलो देखी थी कैसेट? कैसेट नहीं बनी मम्मी की? देखिए ना तो कैसे रोई थी। पक्का? हाँ। चलो आए साहब ये कैसे रोई जब विदा में आए, मांस नीचे कर ले, कैसे रोई थी बता दियो मेरा। ओ भैया मैं नहीं जा रही। कैसे कैसे रोए थे आप कि झूठ बोल रहे हैं ये? नहीं सही कह रहा है। विद्या रानी का था? विद्या रानी का था। कैसे एक बार बताओ जरा जोर से बताना उनकी तरह। ओ भैया मैं नहीं जा रही। और उसके बाद माइक के कितनी बार गई है ये? 6-7 बार बस। और बात चिल्ला रही थी वो भैया मैं नहीं जा रही, अब माइक कहना चाहती है। चलिए कैसे देखी थी मम्मी की? कैसे रोई थी? ओ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे रोए थे क्या आप? हाँ ऐसे ही रोए थे। पता नहीं रहा कैसे रोए थे। ओ पापा मैं नहीं जा रही। चलिए बुआ की शादी हुई थी? हाँ अभी हुई है बुआ की शादी। कैसे रोई थी वो? सही बुआ वो आप ही रो के दिखाओ। नहीं आप, आपने देखा था रोते हुए इनको? बताओ जरा नकल करके। मुझे नहीं जाना। सच में यहाँ पे ऐसे रोए थे क्या? नहीं। बताओ जरा। ओ भैया भैया। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चाची मेरे को रोटी कौन पका के खिलाएगा? मैं खिलाऊंगी, मैं नहीं जाना।
गाड़ी कौन साफ करेगा? अरे मैं काम करूंगी, मैं नहीं जानू पापा। काम में कंडा कौन दे देगा? हट 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 हट। ये क्या तरीका? अबे तरीका ये, तुम जाओगे ऐसे? क्या तरीका है? रोने में कौन सा टैक्स लगता है अंकल? रोने में उनको रुला रहा था, उनसे एक्टिंग करवा रहा था कि तुमको मौड़ा होके मौड़ा। हम भी तो रो ही रहे हैं ना, यहाँ पे खड़े होकर रो ही तो रहे थे। रोने खांग गई ललिया। आजा ललिया, देख ललिया, ललिया रो, ललिया रो ना ललिया। और तू कैसे डरता है क्या? रो, पांच रुपए दूंगा। रो रो, हाँ दस दस पक्का। 25 दूंगा 25, वापिस आके रो। 25 रुपए दूंगा 25 रुपए 25 रुपए। चल कर ले 50 दूंगा, रोएगा जो भी, 50 दूंगा, रोएगा जो भी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आया तो तेरे में दूंगा मैं। अब जल्दी आओ, मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो बच जाऊंगा। मैं वो आया तो मैं तेरे में दूंगा। मैं तो बच जरा पापा के बीच में आया तो देख लूंगा मैं तेरे को। नीचे ये चल। कुंभकर्ण कहेंगे, कुंभकर्ण। इधरा भाई साहब, इधरा इधरा। शक्ल ऐसी लग रही है भैंस का गोबर कंडा दब गया पूरा। अजरा मेरे बदतमीज कहेगा, अरे 3 घंटे से मेरे पीछे से भालू भालू कह रहा है। हाँ नहीं तो तू मैं तोड़ देगा। नहीं नहीं हाँ जा रहा हूँ। अबे क्या कार से जाएगा? अबे बस टूट गया है। निकल अरे। तू मानेगा नहीं, जाएगा नहीं तू? पकड़ो 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 पकड़ो। तो फिर वही कुछ बातें देखिए, अगर आपने मास्क यूज किया है और यूज कर लिया उसको कहीं भी मत फेंकिए। मैं आपसे कल, मैं कई दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ, अगर वास्तव में आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपने अपनी टेस्टिंग नहीं कराई है, मास्क उठाया आपने सड़क पर कहीं भी फेंक दिया और उस मास्क को अगर किसी जानवर ने खा लिया, सूंघ लिया और कहीं ये बीमारी जानवरों तक पहुँच गई तो ये महामारी बन जाएगी। आप कृपया ध्यान रखिए कि आप यूज किया हुआ मास्क एक डस्टबिन में फेंकें। जिस तरीके से आप समय पर कचरा फेंकते हैं वैसी मास्क को आप डस्टबिन में एक जगह फेंकें। फिर वही शॉपकीपर हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपके, जो भी आता है उसका एक बार मास्क नीचे कराइए, चेहरा रिकॉर्ड करने दीजिए जिससे पता लग जाए कि आपके यहाँ आया कौन था। अगर आपके यहाँ कोई वारदात की नीयत से आ रहा है तो कम से कम उसका फोटो हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, पुलिस उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट कर लेगी कि हाँ बंदा या बंदी था कौन। मास्क का उपयोग करिए, बीच बीच में हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को, बाजार में हो सके तो कम से कम भीड़ वाले एरिया में कम से कम निकलें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। सलाम करो। अबे ढंग से सिखाना, कैसे करते सलाम? मारना नहीं है वो, आया तो नहीं आज गुंडा, गुंडा उड़ा दिया ढंग से आज तो। गुंडे को उड़ा दिया ढंग से, वॉशिंग मशीन में डाल के टांगे भांगे सब टेढ़ी मेढ़ी कर दी। अच्छा, 3-4 घंटे छत पे सुखा भी दिया उल्टा डाल के। अच्छा हाँ, लाल कपड़ा पहना के सांड भी दौड़ा दिए पीछे। अच्छा, हड्डी बांध के कुत्तों से भी कटवा दिया। वाह, सवासी तो फिर। वाह सवासी तो, सवासी वाह, सवासी तो दो पीठ पे, सवासी तो दिए। अरे पीठ तोड़ी है, ये तो पेट है मेरा। अच्छा, ये पेट है तेरा? हाँ। तो पीठ पे देनी है क्या? हाँ, पीठ पे। अरे दिमाग है मेरा अंकल, पीठ पे। अच्छा पीठ पे देनी है क्या? अरे ये हाथ है मेरे पीठ, ये। अच्छा पीठ लग रही है मेरे को, मार रहे हो फालतू में। तूने तो बोला सवासी तो पीठ पे देनी होती है ना।
तो ये तो पीट है ना तेरी? नहीं नहीं, अबे पीट के बगल का ही दोस्ता है तो पीट ही तो बोलेंगे। अच्छा, इसको पीट बोलेंगे? और क्या। अच्छा और क्या, हाथ नहीं बोलेंगे इसको? हाथ को बोलेंगे, पीट के बगल का हिस्सा है, नाप ले देख। नापियो तू, नापियो। हाँ पीट के बगल, हाँ सही बात है। तो अच्छा हुआ आपने बता दिया। और तेरी पीठ कैसी है? बढ़िया है। आजा आजा आजा, तेरे पेट में दर्द तो नहीं है? ये सही चीज बता दी आपने मेरे को। हम लोग आए काहे के लिए? हम लोग टैलेंट पेश करने आए हैं। टैलेंट है क्या तेरे पे? हाँ टैलेंट है ना, पक्का। गुंडा तो ठुक गया, आज कभी आ ही नहीं सकता गुंडा। गुंडा आने पर ना कोई देखेगा ना कोई देखेगा, क्योंकि आपके सामने टैलेंट है। कौन हो? मैं यार भाई साहब, मैं गुंडा नहीं हूँ। तो तू कौन है गुंडा? अरे यार उत्ता भाई हूँ यार, मेरी तत्ती थी दुताने पीते, तब मैं तो तुत्ते जा रहे हैं यार। मतलब कौन है तू? उसका भाई है? भाई हूँ मैं उत्ता। तुम जुड़वा भाई हो क्या? हाँ, ये देते हैं वो तालिया। क्या करता है तू? तू क्या करता है? मेरी तत्ती थी दुकान है। काई की दुकान है? तत्ती थी दुकान है, तत्ती थी, थाली तत्तियां मिलती हैं, हल बिलाती थी तत्तियां मिलती मेरी दुकान पे, बाली तत्ती, मोते आते वाली तत्ती, थाली तत्तियां मिलती मेरी दुकान पे। हाँ यार भाई यार, यार उसको मारा किसने? किया क्या तेरे को? पता नहीं, मिला भाई तो मत, तब मैं तो बुला के जाते हैं, माल के जाते हैं, तब थी तब तेरे भाई के चक्कर में तू पिट रहा है? हाँ भाई, तब मैं तो माल रहा है, मैं धंधा नहीं हूँ, मिले धंधा चलता हूँ, मिली तत्ती थी दुकान है बहुत ताली, तब मैं तो तत्ती थी दुकान है, तत्ती थी की? तत्ती थी दुकान है, तत्ती थी, आता पिता है ना वाली तत्ती। तो ये बोल रहा है तू? तो उसमें आता पिता है ना, बाली ताता, बाली तत्ती ले लो, ताली तत्ती, दधी तत्ती, दती तत्ती पित जाती है, हर तले थी तत्ती आज मिलती मेले यहाँ पे, लत्तौत वाली तत्ती, लाइट वाली तत्ती, ताली तत्तियाँ मिलती मेले यहाँ। टैलेंट है क्या? टैलेंट है ना भाई, कर चल जल्दी। टैलेंट चल दूँ? हाँ कर जल्दी कर। इसको देख के मेरी आँख फड़की, इसको देख के मेरी आँख फड़की, आज टैलेंट में कोई और नहीं, आओ मेरे चले में आई एक सुंदर सी लड़की। हेलो आंटी, सॉरी क्या नाम है आपका? अनुष्का परियार। कहाँ रहते हो? गुड़ीगुड़ा के नाके। गुड़ीगुड़ा का नाका। तो आप डांस कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। गॉड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अच्छा डांस किया है। ये तो करण है, ये करता रहता है अभी आपको, लेकिन आपने सच्ची में बहुत अच्छा डांस किया है। आप सीखती हो? बड़ी मेहनत लगी सिखाने में भाई, बहुत सिखाया मैं दोनों बहनों को, बहुत अच्छा सिखाया था। गुरु मैं गुरु इनका है ना। आप बेटे दोनों आ जाओ, मैं इसकी रख असिस्टेंट गुरु जरा निकालो, निकल जाओ भगवान से मन्नत मांग आंख बंद करके। मैं भगवान मुकाला मुकाला मुकाला, एक मिनट रुक तो जा। क्या कर रहे हो? देख मुकाला, एक गाना था ना, करवाता क्या रहता है? रुला दिया तुमने इसको आज? रुला दिया तूने इसको यार? इधर रुला दिया तूने यार? इधर ओए, तू क्या हंसता रहता है? हट जा। अबे तू क्या हंसता रहता है? मतलब तेरे संग कुछ भी होता रहे, चुप तू। करण इधर से निकल, मैं इसको आज मैं देखूं। ओए इधर, समझा रहा हूं तेरे को, समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, रुक जा। उसका लिया तू ना? ओए किसी और के, तूने किया ध्यान रखियो, मैं बता रहा हूँ। मुकाला 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 मुकाला, अब लगा तू किसी को? अपने को नहीं लगाता मैं, हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ पे नहीं चलाओ, मार क्या बोल रहे हो? क्या कर क्या रहे? मुकाला मुकाला मुकाला, वो डांस कर रहा था, उसकी तरह डांस आता है क्या? डांस वांस नहीं करता मैं। एक स्टेप करके देखा उसकी तरह? काय को काय को,
मुकाला मुकाला। अबे पेट ढिल्ला तेरा, टांगे भागे कुछ नहीं ढिल्लाई। क्या मासी यार, परेशान करते रहते मेरे को यार, कुछ नहीं बोलते आप लोग इनको। हाँ मैं तो ऐसे मुंह काला करूंगा, मैं सबका करूंगा। इधर तू ये देखो, ये लो, ये देखो, पर देख, ये देखो इधर देख, सामने कैमरे में इसका भी मुंह काला। प्ले प्ले, निकल यहाँ से अब। काला मुंह काला, नहीं जा रहा मैं, बचाओ। बैठे रहे, हम जा रहे हैं। नहीं जाओ, नहीं ना। आनंद जी आप नहीं मानते हैं, इस बार तो पूरा कार्यक्रम भी नहीं बनाया मैंने। आनंद जी चलिए, सौभाग्य ये महज 13-14 दिनों के कार्यक्रम में ही आनंद जी, मेरा सम्मान जी 18वें साल है लगातार जो सम्मान ये करते हुए आ रहे हैं। वाह आनंद जी, वाह, बहुत धन्यवाद। सियावर राम जी महाराज की, चलिए बहुत शानदार। आप टीम का कर रहे हैं, मैं 2 मिनट में टीम का करवा। निखिल कटारिया हमारे बाबू बेधड़क हैं, इनका ये सम्मान आनंद जी यहाँ करते हुए सुंदरकांड। इसके बाद वरुण जैन जी, वरुण जैन, और इसके बाद करण भगेल, करण भगेल के बाद ऋषभ परिहार, अनुभव, ये करण भगेल हैं, करण भगेल जी के बाद हैं ये ऋषभ परिहार, इसके बाद अनुभव हासवानी, ये आहा वाले अनुभव हासवानी जी हैं, उमा पाल, कोई बात नहीं है उमा पाल, उमा पाल के बाद विशाल रत्नाकर, ये इनका दूसरा साल आओ मेले चले कार्यक्रम में है। और इसके बाद सुभाष सोलंकी, ये हमारे गौरव शिर्के जी हैं, माला आइए। इसके बाद ये सुभाष सोलंकी, सुभाष सोलंकी के बाद ये सोनम, और ये गोविंद कुशवाहा जी हैं, ये कैमरामैन, एक बार इनके लिए तालियां जरूर बजाइए क्योंकि हाथों में दर्द हो जाता है कंटिन्यू ये शूट करते हैं, गोविंद कुशवाहा जी। आनंद जी मैं आपका दिल से धन्यवाद दूंगा, पूरी आओ मेला चले परिवार की ओर से आपका मैं हृदय से आभारी रहूंगा कि अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। अरे चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। मैं आपको सैनिटाइजर जरूर दूंगा क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना ने दुनिया बदल दी है, सही है, दुनिया बदल दी है, सही है। एक आपके लिए रख लीजिए, ये हाथ सैनिटाइज करते रहे। और आनंद जी आपने लॉकडाउन में बहुत से गरीबों की मदद की है, जरूरतमंदों की, उसने करवाई है, आप माध्यम बने हैं, मैं धन्यवाद हृदय से देता हूं। आनंद जी चाय और नाश्ता अपने साथ ऐसी बस्तियों में लेके जाते थे जहां कोई नहीं पहुंच पाता था, बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी। ये सिद्धि विनायक ज्वेलर्स कहाँ पर, जल्दी की रोड सावन वाली गली, इनके यहाँ किराए पे लहंगा चुन्नी, 800 से अधिक शेरवानियाँ, 600 से अधिक इंडो वेस्टर्न और 300 से अधिक ब्लेजर और वो ब्राइडल लहंगे, 500 से अधिक 1500 से साइड लहंगे और 500 से अधिक गाउन क्रॉप टॉप, 300 से अधिक। ये अभी क्या नया इनके और हुआ है, एक शोरूम खुला है उनके यहाँ नया, उनमें बच्चों की बर्थडे की ड्रेस आई है, बर्थडे ड्रेस है। अभी मैं आपको सिद्धि विनायक जी, सिद्धि विनायक चटनी, चटनीस की गोल, 800 से अधिक शेरवानी दूल्हे की, 1500 से अधिक साइड लेंगे और ज्वेलरी और सब किराए पे इनके यहाँ मिलती हैं। बताओ सिद्धि विनायक, चटनीस की गोल साउथ वाली गली, यहाँ पे सब किराए से लहंगे मिलते हैं, क्रॉप टॉप मिलता है, गाउन मिलते हैं और दूल्हे के इंडो वेस्टर्न वगैरह शेरवानी वगैरह सब मिलती हैं और ज्वेलरी वगैरह मिलती हैं और दूल्हे की भाई दूल्हे जैसे लगते हैं, दुल्हन की बहन दुल्हन जैसी लगती हैं। चलिए वेरी गुड, सिद्धि विनायक ज्वेलर चटनीस की गोट, हाँ। सावन वाली गली, हाँ। मिलते हैं
के यहाँ साठ लहंगे मिलते हैं, ज्वेलरी भी मिलती है, शादी के लहंगे वगैरह चुन्नी वगैरह सब मिलती है। सिद्धिविनायक जल्दी से। सिद्धिविनायक चिड्डीस की गोड़ सावन वाली गली, इनके यहाँ पे दुल्हन के लहंगे, साइड लहंगे, शेरवानी, गाउन, क्रॉप टॉप सब किराए पे मिलता है। और जैसे दूल्हा दुल्हन की अपन बुक करते हैं ना, तो एक जो सरप्राइज गिफ्ट भी देते हैं, और 1 लाख तक का लहंगा अपन किराए से ले सकते हैं। और एक शोरूम नया खुला है यहाँ पर, बर्थडे ड्रेस मिलती है दोनों शोरूम में बच्चों की, एक पे नहीं है। सिद्धिविनायक चिटनीस की गो साबुन वाली गली, यहाँ पर ब्राइड के लिए क्रॉप टॉप, ब्लेजर, दूल्हा घर है, दूल्हे के लिए जिस भी टाइप की ज्वेलरी चाहिए उस टाइप की मिल जाएगी, जिस भी रेंज में चाहिए उस टाइप की मिल जाएगी, मतलब फिटिंग के टाइप वाइप सब कुछ वही करके देते हैं, मतलब जिस भी। लेकिन सबसे ज्यादा आपने बताया है, पूरी रेंज और पूरी संख्या बताइए, क्या नाम है आपका? सविता करोल। एक आपके लिए रखिए, सिद्धिविनायक ज्वेलर से एक आपके लिए इधर से आता हूं। गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर, गोल्डन लाइन इंजेक्शन कुकर, छतरी नंबर 3 पे पटेल नगर इनका शोरूम है। और इनके यहाँ नई मतलब सिक्स सेंसर इंजेक्शन कुकर आया है, और एक्सचेंज ऑफर आया है जो 1000 रुपये लेस मतलब हो जाती है करो तो। और उसके इसके अलावा जल्दी गोल्डन लाइन छतरी नंबर 3 पे जहाँ पे 6th generation का इंडक्शन कुकर आया है, 3 रजिस्टर रख के भी इस पे ये काम करता है, और 6th generation का आया है 3 सेंसर वाला, और दूध या पानी उबल जाता है तो इसमें अंदर नहीं जाता क्योंकि चारों तरफ से ये पैक है। चलिए और जल्दी से गोल्डन लाइफ छतरी नंबर 3 पर। हाँ जी, और दूध उबल जाता ना उसमें ना जाता नहीं है, पानी भी कर लो गर्म पानी और सब्जी भी बना लो उसमें। गोल्डन लाइट चलिए, गोल्डन लाइट जल्दी। इनके यहाँ 6th generation वाले एक इंजेक्शन आया है जिसमें 3 सेंसर लगे हुए हैं, और जैसे अपन और कोई सा खरीदते हैं तो जैसे ख़राब हो जाए तो कहाँ जाएंगे बनवाने, लेकिन इसका सर्विस सेंटर अपने शहर में ही है, SP ऑफिस पटेल नगर बसंतरा टावर पे 2nd floor पे है। और मतलब वो जैसे दूध उध निकल जाए तो मतलब इसमें जाता नहीं है, करेंट का डर नहीं है, और कहीं भी ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वेटर से भी चल सकता है ये। इन्वेटर से नहीं चलेगा। गोल्डन लाइफ इंडक्शन 6th generation का आया, 5 बर्तन फ्री है, किसी भी टाइप का बर्तन आया था, आपने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था 6th generation, उस पर रजिस्टर रखकर आपने पानी बॉयल करना बताया था, और उसमें ये भी है कि ना मतलब चाय वगैरह निकल जाती है, पर उसका ना फिक्स वो टाइमिंग भी है, बर्तन भी मिल रहे हैं, और 5 साल की वारंटी है, और सबसे बेस्ट है इंडक्शन कुकर, जिस भी टाइप की अपन को रेसिपी बनानी है वो भी बना सकते हैं, और ख़राब होने का इनका सेंटर भी है सिटी सेंटर पटेल नगर पर। कितने हैं एक खरीद पर, कितने उपहार हैं? 5 है। 5 है, वेरी गुड, आपने बताया। रखिए आपके लिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपने सबसे ज्यादा फ्लो में बताया है। एक कौन सी चाय है ये? पदमश्री। हाँ बताइए। हर शॉप पे मिलती है, हर शॉप में मिलती है। और मैन कहाँ है हेड ऑफिस? नया बाजार। और IIT कंपनी है, हर शॉप पे मिलती है। अभी नई मसाला चाय आई है, और वो जो होटलों में अच्छी वाली होती है वो भी स्टैंटी। स्टैंटी एक आपके लिए रख लीजिए, 1 किलो का पैक है, एक आपके लिए है। इधर से आता हूँ, अनेजा मॉल 550 रुपये मूल्य की साड़ी है। अनेजा मॉल 199 रुपये से इनके यहाँ साड़ियाँ हैं, और लहंगे हैं 2500 से शुरू है 1 लाख तक के। वेरी गुड। और है कहाँ पर ये? गांधी मार्केट ICICI बैंक के पीछे बगल में है। एक आपके लिए रख लीजिए अनेजा मॉल से, ये साड़ी है। इधर आता हूँ, ये टिकटॉक बेकरी गोलपाड़ी है, पुलिस चौकी के पास में है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खुला है, और केक मतलब अपन जैसे पान के फ्लेवर का, फलों के फ्लेवर का रखिए। एक आपके लिए है टिकटॉक बेकरी, बॉम्बे नोवेल्टी के पैलेस, इनका क्या क्या है? खेल खिलौनों की दुनिया, ठीक है ना। आप कुछ भी और यहाँ डीडी मॉल पर लोअर ग्राउंड पर आपको अब वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये आपके लिए डिजिटल फ्रेम है, कलर आपका HD टीवी बन जाएगा, मोबाइल में लगाएंगे तो टीवी की तरह देखेगा। के लिए स्पेशल है, आपने बहुत बढ़िया डांस किया, 2 गानों पे किया है। आपके लिए सिद्धिविनायक ज्वेलर से आपके लिए ये स्पेशल उपहार। थैंक यू। रखते जाइए, एक एक आपके लिए। पद्मश्री चाय से एक आपके लिए भी है, आपको तो जंबो मिला है, एक आपके लिए है। आपके लिए भी पद्मश्री चाय से एक आपके लिए है, एक आपके लिए पद्मश्री चाय। विशाल फर्नीचर से एक आपके लिए है, विशाल विंडो कूलर से एक आपके लिए है, स्लिप बेल मैट्रेस से एक आपके लिए। विशाल फर्नीचर छदी नंबर 1 और जिनसी नाला ऊंट पुल के पास, विशाल फर्नीचर से आपके लिए, विशाल विंडो कूलर से आपके लिए। आपके लिए टिकटॉक फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड बेकरी आपके लिए भी है, ये गोल पहाड़ी है पुलिस चौकी के पास। आपके लिए गोल्डन लाइफ एक्वा, एक एक आपके लिए भी है, गोल्डन लाइफ एक्वा से है। रखिए, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ एक्वा से है, एक आपके लिए गोल्डन लाइफ एक्वा, एक आपके लिए एक और कूपन दे रहा हूँ।
ये टिकटॉक फास्ट फूड रेस्टोरेंट और बेकरी आपके लिए कूपन दे रहा हूँ, ये 31 मई तक वैलिड है। अगर आप इनके केक ऑर्डर करते हैं रबड़ी का या रसमलाई का, तो उसकी जो भी कॉस्टिंग है उसमें 10% आपके लिए डिस्काउंट, उनके रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 15% आपके लिए डिस्काउंट। सबके लिए ये एक ही स्कीम है, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, गोल पाड़ी है, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए और एक आपके लिए, के लिए 2000 रुपया। हाँ देखो कैसी मुस्कुराहट आई, हाँ रुपया चाहे असली हो चाहे नकली हो, बॉम्बे नॉवल्टी की पैलेस से एक आपके लिए भी है, बॉम्बे नॉवल्टी की पैलेस बलवीर भाई की शॉप से एक आपके लिए भी है, 36 नंबर 10 और डीडी मॉल लोअर ग्राउंड, एक आपके लिए भी है बॉम्बे नॉवल्टी से, ठीक है ना, अब तो काम हो गया सही, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए और है, कहाँ पर है अनेजा मॉल, हाँ गांधी मार्केट आईसीआईसीआई बैंक के बगल में, एक आपके लिए। इनका क्या कलेक्शन है? इनका 199 से शुरू 1 लाख तक का लहंगा मिलता है इनका। कोई भी ऑकेजनली आपके यहाँ फंक्शन होता है, वो जितनी भी वेडिंग ड्रेस है या सेरेमनी कोई होती है, वो सारी ड्रेस है उनके एक ही छत के नीचे, एक आपके लिए, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से रखिए, आपके लिए अनेजा मॉल से, आपके लिए है एक अनेजा मॉल से और एक आपके लिए है। सोमपति पर्याय प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी सर। आपके लिए टिकटॉक फास्ट फूड, बेटे नाम क्या है वैसे आपका? नैतिक। नैतिक कहाँ रहते हो? रानी चामनी। टीवी पे देखते हो? हाँ। एक आपके लिए रख लो टिकटॉक बेकरी से, आपका नाम? राम। कहाँ रहते हो? रानी चामनी। रखो आपके लिए भी है, क्या नाम है आपका? अरवाज खान। रखो अरवाज भाई, एक आपके लिए टिकटॉक फास्ट फूड रेस्टोरेंट बेकरी से, भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम मुनेन्द्र भदौरिया है। भदौरिया जी कहाँ रहते हैं? मैं सेवानगर में रहता हूँ। प्रोग्राम देख रहे हैं? देख रहा हूँ। पद्मश्री चाय आज पीते पीते प्रोग्राम आपको देख रहे हैं। नाम आपका क्या है? कल्पना शबिता। कहाँ रहती हैं? चंदन नगर। प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी पे? रखो टिकटॉक बेकरी फास्ट, माता जी का नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकला। रखो आपके लिए भी टिकटॉक फास्ट। हम गाना गा रहे आए थे तो बंद ही कर दिया। अब आप लेट आए हो गए ना, अब मैं क्या करूँ, कल आऊंगा मिल जाइए हो गाना, हम तुम्हारा गाना भी अब ले लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। वहाँ का क्या नाम है बेटे? एक आपके लिए प्रोग्राम घर पर देख रहे हो? Yes. आपके लिए भी पद्मश्री चाय से दोस्तों चलते हैं यहाँ से सीधे झूला सेक्टर, देखते हैं क्या वास्तव में 2021 का ये अंतिम आज झूला सेक्टर है, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण अगर मेले पे भी असर होता है तो ये मेला बंद रहेगा, फिर झूला सेक्टर भी तो बंद रहेगा और 28 को मेले का समापन है, ध्यान रखिए। लेकिन हम 28 को ग्वालियर के व्यापार मेले में मिलेंगे, जैसा रेगुलर प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, 28 तारीख का हम प्रोग्राम तो आपके लिए बनाएंगे। लेकिन चलते हैं यहाँ से अब सीधे झूला सेक्टर और देखते हैं क्या नज़ारा है आज शनिवार के दिन झूला सेक्टर ग्वालियर व्यापार मेला 2021 का, सीधे झूला सेक्टर। तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम, विशाल फर्नीचर आओ मेला चले। अब संडे यहाँ पर लॉकडाउन पूरे शहर में प्रशासन ने लगा रखा है, ग्वालियर का व्यापार मेला उसके लिए अभी कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। हम रनिंग प्रोग्राम की तरह यहाँ ग्वालियर व्यापार मेले में मौजूद रहेंगे, अगर पब्लिक नहीं होती है तो दुकानदार के साथ इंटरव्यू करेंगे, पब्लिक होगी तो उनके साथ यहाँ इंटरव्यू हम लोग करेंगे। अब आप चैनल एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए होलिका दहन, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोरोना काल चल रहा है, आप जिस चौराहे पे होली जलाते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी होली जलाते हैं, आपके लिए त्यौहार होता है वो, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, कोरोना काल है, ऐसा ना हो कोई कहीं पेशेंट निकले, आपने होली जला रखी है एकदम चौराहे पे, पेशेंट कह के नहीं निकलता है, आपने चौराहे पे अगर होली जला रखी है तो हो सकता है एम्बुलेंस वहाँ नहीं आ पाए, तो किसी का नुकसान होने से आप बचा लीजिए इस वर्ष, अगले वर्ष होली मना लीजिए। बहुत से लोग 2020 में हमसे जुदा हो चुके हैं, आप होली जलाएंगे, आप खुशियां मनाएंगे, उनके घर में मातम है, तो उस मातम में थोड़ा सा आप हिस्सेदार बनिए, होली तो अगले वर्ष भी आएगी, अगले वर्ष हम होली के त्यौहार को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर लेंगे। तो प्लीज़ होलिका दहन के लिए आप ठीक है चौराहे पे जलाते हैं, बड़ी जलाते हैं, इस बार दो लकड़ी की जला लीजिए ना, पर्यावरण की भी सुरक्षा हो जाएगी और प्रदूषण भी नहीं होगा, गंदगी भी नहीं होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू, कैमरामैन गोविंद कुशवाहा, को एंकर निखिल कटारिया, बाबू बेधड़क, इसके संग में ऋषभ परिहार, विशाल रत्नाकर, करण बघेल, अनुभव हासवानी, नवाब खान के साथ में सुभाष सोलंकी, उसके साथ गौरव शिरके, उमा पाल,
सोनम जाटव पूरी आओ मेला चले टीम के साथ इस वादे के संग इजाजत चाहता हूँ कि कल आपसे इसी चैनल पे इसी जगह में पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा क्षण स्पोर्ट, सभी हम उम्र को हाय। लेकिन कल का अगर प्रोग्राम होगा तो थोड़ा सा हटके होगा, होली स्पेशल। तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा क्षण स्पोर्ट, सभी हम उम्र को हाय। अंत में आज ही जाता और कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।